आज की क्लास में हम लोग रेलवे ब्रिज एंड टनल का जो पूरा टॉपिक होगा उसका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन एक सिंगल वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या, आप लोगों ने और भी मैराथन ले रखी है, हम लोगों ने देखा कि उसमें जैसे आपके जो भी सब्जेक्ट अदर है आपके सेमेस्टर में उनका भी हम लोगों ने पूरा पूरा टॉपिक कवर किया है, ठीक है ना। और ये एक सिंगल वीडियो ही पर्याप्त होगी एग्जाम के एक दिन पहले या 2-3 दिन पहले के लिए रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको फुल कोर्स मत समझिएगा, फुल कोर्स डिटेल में है जिसमें बहुत सारी चीजें। इसमें हम बस इतना सीखने वाले हैं कि एग्जाम यदि आपका बहुत पास में है तो हम लोग कैसे कम समय में इसको कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी, यदि किसी ने फुल कोर्स पढ़ा है तो वो पढ़ा वो ठीक है, लेकिन कम से कम आज वाला टॉपिक उसको क्लियर होना चाहिए। मतलब उसने पढ़ा है, हो सकता है उसने कुछ टॉपिक गलती से छोड़ दिया हो, तो इसमें वो टॉपिक भी उसको क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। इसमें हम लोग लिखने की शैली पर भी अपने ध्यान देके ये भी देखेंगे कि हम लोग लिखावट कैसे अपने रख रहे हैं, इन चीजों पर भी ध्यान देते हुए हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरी चीज, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस पीडीएफ से हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, यदि वो पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सिविल टेक सोल्यूशन का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके आप वहां से कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए हो तो ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो क्लासेज हैं वो पूरी आपकी ज्यादातर पेड क्लासेज होती हैं, हम लोग यूट्यूब पे कम एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे उतना ज्यादा हम लोग नहीं है, बट ये है कि पेड क्लासेज में आपको पूरी जेई का क्लास हो चाहे आपका डिप्लोमा का क्लास हो वो चीजें अवेलेबल है, और कैसी अवेलेबल है वो आप डेमो देख के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक आज कवर करने वाले हैं हम लोग साथ में। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग के पास सामने यहाँ पे टॉपिक खोला गया है कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक जो है आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब वो टॉपिक क्या क्या है वन बाई वन चलिए समझते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये पूरा जो है टॉपिक वो पूरा जो है ये रेलवे का टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। रेलवे का टॉपिक का मतलब हुआ ये जो पोर्शन, चूंकि इसमें तीन सब्जेक्ट हैं हम लोग के, इसमें हम लोग के तीन सब्जेक्ट पूरे के पूरे हैं। एक रेलवे हुआ आपका यहाँ पे, और दूसरा आपका ब्रिज हुआ यानी पुल हुआ, और तीसरा आपका जो है वो टनल हुआ। तो ये पूरे ही अवेलेबल है, और वन बाई वन रेलवे के जो पार्ट वन रेलवे है आपका, उस रेलवे वाले पार्ट में हम लोगों ने भारतीय रेलवे का परिचय देखना है। फिर मास ट्रांजिट सिस्टम है आपका, रेलवे के दौरान कौन कौन से सर्वे आपको करने पड़ेंगे उसको देखना है हम लोगों को। फिर उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट वे, रेल गेज, रेल्स, रेल वेल्डिंग, रेल की फास्टनिंग कौन कौन सी है, स्लीपर है, गिट्टी है। देखिए रेलवे में बहुत ही बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे, इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यदि आप इनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसमें से भी मैंने फिल्टर करके वो पॉइंट ज्यादा फोकस किया जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके साथ में कि चलिए आप लोगों ने ये सब टॉपिक रेलवे के हैं तो उसके साथ साथ ब्रिज का भी देख लीजिए क्या क्या टॉपिक आया हुआ है। ब्रिज का और टनल का, ये जो टॉपिक है ब्रिज और टनल छोटा है, ठीक है ना। तो ये ब्रिज में उसका ब्रिज क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका फाउंडेशन, आपका ये सारे टॉपिक जो है ना, ये सारे एक ही वीडियो में हम लोगों ने इसका ओवरव्यू पूरा ले लेना है कि कैसे है क्या है, ओवरव्यू पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर तीन पार्ट में हम लोग इनको डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में, कि रेलवे है आपका, रेलवे है, उसके बाद आपका ब्रिज है, और हम लोग ने बात कर लिया कि टनल है, तो मैं अगर अगर इनको 50 मार्क्स में या 100% पूरे 100 मार्क्स में बांट दूं तो 100 में ये मान के चलिएगा आपका कि 50 to 60% रेलवे ही रहना है। मतलब 60% तक रेलवे पार्ट रहेगा, बाकी 20% ये और 20% ये रहेगा। अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो उसी तरह कर लीजिएगा, 30 नंबर में रेलवे, 10 नंबर में ये और 10 नंबर में ये, कुछ इस टाइप से बंटवारा कर लीजिएगा नंबरों का। यानी रेलवे वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन 60% भी कई बार होता है। मतलब यदि ऑप्शन को अगर ना इग्नोर करें तो मोर देन 60% पार्ट भी रेलवे का आपका पूछा जा सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है रेलवे। जो थोड़ा सा माइनोर कर सकते हैं वो है ब्रिज और टनल आपका, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाई वन सबको, और स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे क्या है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है भारतीय रेलवे का परिचय, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय रेलवे का परिचय, और अगर ये आप ठीक से इसमें, इससे भी बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, इनको क्लियर रखिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, हम क्वेश्चन वाइज ही डील कर रहे हैं, क्वेश्चन से ये फायदा हो रहा है ना कि अभी तक लास्ट क्लास में हम लोग जो पेड क्लासेस में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन वो तो मैंने आपको ऐसे पढ़ाया ऐसे बता बता करके, लेकिन आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं
और उसका आंसर कैसे करना है, उसके साथ साथ चीजें तैयार भी होती जाएंगी आपकी, ठीक है ना। यानी अगर बात करें हम लोग इसमें क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले रेलवे के लाभ के बारे में बताना है कि रेलवे क्यों, ठीक है ना, क्या क्या लाभ है। तो हेडिंग अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या है बताओ, रेलवे के लाभ बताने के लिए यदि तुमको पढ़ना पड़े, देखो किसी भी चीज का यदि लाभ जानना हो ना, तो उसका किसी न किसी चीज से कंपेयर कर दो। और कंपेयर करने में रेलवे का तुम इस क्वेश्चन को दो तरीके समझो, इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि रोड से रेलवे की तुलना करिए, और यदि तुम तुलना करना समझ गए तो फिर तुम लाभ भी बता लोगे, ये जान लो। तो क्वेश्चन कोई भी पूछे, थ्योरेटिकल पेपर में सबसे बड़ा खेल होता है कि तुम क्वेश्चन को कहां से लिंक करा पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हम यदि पहले रेलवे क्यों लाए, हम तो जमीन पे चल ही रहे थे ना, तो फिर हमने रेलवे क्यों ला दिया, तो सिंपल सी बात है वही उसके लाभ हैं जिनकी वजह से उसको लाया गया होगा, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिए कि रेलवे जो चलती है वो मास ट्रांजिट सिस्टम पे काम करती है, ठीक है ना। यानी रेलवे में सुरक्षित और सस्ता परिवहन होता है। आप जानते होंगे आज भी रेलवे का टिकट अन्य सभी जगहों से सस्ता है, हवाई जहाज, बस या फिर नाव, यानी चार ट्रांसपोर्ट के चार मीडियम होते हैं कम से कम, एक होता है हवा, एक होता है पानी, और एक जमीन पर आप करते हैं तो दो, रेलवे और रोड। जमीन पर दो साधन है, रेलवे और रोड, उसके अलावा पानी के जहाज हैं, उसके बाद हवाई जहाज है, ठीक है ना। तो ये सब साधन में सबसे सस्ता साधन यदि अभी तक बात किया जाए तो वो रेलवे है, ठीक है ना, सबसे सस्ता साधन रेलवे है। तो सुरक्षित है और सस्ता है, एक्सीडेंट के चांस हमेशा रेलवे में क्या होते हैं, सड़क की तुलना में कम होते हैं, ठीक है। लंबा सफर तय करना हो तो ये जान लीजिएगा कि आज भी चाहे कोई कितना भी अमीर व्यक्ति रहे, लेकिन लंबा सफर तय करना होता है और मान के चलिए वहां हवाई जहाज की सुविधा नहीं है, तो वो ट्रेन को ही प्रीफर करता है, वो अपनी गाड़ी से वहां जाना पसंद नहीं, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लें, रेलवे के जितना आरामदायक यात्रा कभी भी आपको नहीं मिलेगा। लंबा सफर करना हो क्योंकि इसमें जर्किंग नहीं होती, तमाम चीजें जो जानते हो वही लिखना है। उसके बाद उपलब्धता, देखिए यहाँ पर रेल ऐसी है, अब हवाई जहाज हर जगह नहीं पहुंचता, लेकिन रेलवे हर जगह उपलब्ध है, लगभग जगह उपलब्ध है, अब ऐसा नहीं कि गांव में, लेकिन हाँ हर जगह उपलब्ध है, इसकी तुलना में हवाई जहाज दूर दूर उपलब्ध है। भारी मात्रा में यदि माल का वाहन करना है, यानी गुड्स कैरिंग का काम है, तो जितना भी फैक्ट्री वगैरह के लिए सप्लाई करना है माल को, उन जगहों पर ये आसानी से मतलब हमारे लिए अवेलेबल है, सस्ते में माल को यहां से वहां तक। सार्वजनिक उत्थान यानी कृषि उद्योग तथा व्यापार के उत्थान में, देखिए कहीं भी यदि रेलवे लाइन चली गई तो उस जगह का विकास होना तय है, ये जान लीजिए, क्योंकि वहां सामान बहुत आसानी से क्या होता है, पहुंच जाता है। तो रेलवे लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है किसी जगह के उत्थान के लिए। उसके बाद फिर आती है आपकी आपात सेवा यानी इमरजेंसी सर्विसेज में, आपात स्थिति में तथा अकाल पड़ने पर बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तुएं, खाद्य सामग्री, कपड़े, दवाइयां रेलवे द्वारा कम समय में प्रभावित जगहों पर पहुंचाई जा सकती है। तो रेलवे आज भी माल ढोने का सबसे क्या है, सबसे अच्छा साधन होता है। कानून व्यवस्था, देश में कानून एवं व्यवस्था ऑर्डर बनाए रखने में रेलवे महत्वपूर्ण योगदान देती है, ये सब आप जान लीजिएगा। फिर उसके बाद भारी निर्माण कार्य हैं, बड़े बड़े बांध वगैरह बनाने हैं, विद्युत गृह है, नहरों के भारी मशीनरी जैसे कई सामान जो बस ट्रक पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो भी रेलवे उसको आसानी से क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताया गया सामाजिक व राष्ट्रीय चेतना, रेल यात्रा के दौरान विभिन्न जातियों, धर्मों, विचारों तथा, ये देखिए इनडायरेक्ट फायदा है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग सामाजिक हो जाते हैं, क्योंकि रेल किसी के बाप का तो है नहीं, अगर रेल नहीं होती तो जो दो लोग जैसे होता है ना कि रेलवे किसी के लिए अलग से नहीं है, हालांकि कोचेज अलग होते हैं, उसमें आप स्लीपर ले सकते हैं, आप एसी कोच ले सकते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, लेकिन हाँ ज्यादातर लोगों में भेदभाव की भावना हटाता है, जबकि प्राइवेट में कभी है कभी नहीं है, तमाम चीजें ऐसी उभर के आती हैं। तो ये चीज जान लीजिए, ये भाई बंधुत्व का भी विकास करता है, ये एक इनडायरेक्ट फायदा है। उसके अलावा युद्ध काल में सहयोग, युद्ध काल में सेना तथा सैनिक सामान देश की चौकियों तक ले जाने में रेलवे बहुत महत्वपूर्ण। फिर रोजगार का स्रोत, सबसे बड़ा काम तो ये कर रहा है रेलवे, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। उसके बाद जो रोज यात्रा करने वाले लोग हैं उनके बारे में, ठीक है ना, रोज यात्रा करने वालों को रेलवे सबसे सस्ता पड़ता है, और साथ साथ आय का स्रोत भी ये बनाता है। आय का स्रोत मतलब भारत में सबसे बड़ा आय का स्रोत है रेलवे। अब उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया फिर क्या यहाँ पे, कि रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन में तुलना कीजिए। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा कंपेयर करिए आप लोग, तो कंपेयर करने पे असल में जो जो फायदे हैं सड़क, इसमें बोला ना कि रेल परिवहन और सड़क परिवहन में तुलना कीजिए, तो कंपेयर करना है, और कंपेयर वही सब है जो आप जानते हैं, आप इसका आंसर बना के बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि
कम से कम इतना दिन अगर तुम नहीं पढ़े हो या ठीक से नहीं देखे हो तो कम से कम देख के जाओ वीडियो पूरा, ताकि तुमको पॉइंट्स मिल जाए अच्छे अच्छे लिखने के लिए। जो बिना मतलब के कॉपी भरोगे तो थोड़ा ढंग से भरना कॉपी। इसमें ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानते हो, कुछ ही टेक्निकल पॉइंट है, बाकी तुम पहले से भी जानते हो परिचय वाले चैप्टर में। और परिचय वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी जान लो। तो रेल परिवहन और सड़क परिवहन में तुम अंतर कर सकते हो। पहली बात, घर्षण जो होता है रेलगाड़ी में, घर्षण क्या होता है, काफी कम, यानी सड़क की तुलना में केवल 1/5 से 1/6 ही होता है, और यहां पर इसकी तुलना में अधिक घर्षण ये क्रिएट करता है, ठीक है। भार तथा दूरी, रेलें अधिक भार लंबी दूरी तक अधिक गति से ले जाने में सक्षम होती है। ये बात नहीं जानते थे कि बहुत ज्यादा वेट हो, बहुत दूर तक जाना हो तो आराम से रेलवे ले जा सकता है, लेकिन सड़क किसके लिए है, कम भार और कम दूरी तक ले जा पाती है सड़क, ठीक है। उसके अलावा यात्रा समय देखो, हमेशा केवल तेजी से दौड़ता है ना, रेलों का आवागमन बिना रोक टोक तथा अधिक गति से होता है, इसलिए यातायात में कम समय लगता है। दौड़ती हुई ट्रेन पर दिन के उजाले और रात के अंधेरे का फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रेन चल रही है तो क्या रात और क्या दिन, हालांकि वो सर्दी गर्मी का थोड़ा कुहासे का असर पड़ता है, बट फिर भी सड़क से तो बहुत अच्छा है। रात में तुमको गाड़ी चलानी रहे, तुम्हारी गति काफी कम हो जाएगी अगर धुंध अंधेरा रहे तो, लेकिन यहाँ ये चलता है। सड़क पर सभी प्रकार के वाहन, बसें, ट्रक सब चलते हैं। आप बैलेंस बना के चलना है, आपस में बिना नियंत्रण के चलते हैं, अपनी अपनी चाल से। बैलगाड़ी भी चल रही है, उसी कुहासे में अक्सर पता चला कि कोई जा रहा था कम गति वाला, तेज गति से कोई उसके ऊपर चढ़ा गया। ये सारी चीजें जो होती हैं आपको समय जो है वो ज्यादा लगवा देती है। ये रोड और रेलवे का तीन ही कंपेयर है, आगे और कंपेयर है, इनको भी देखिए आगे, चौथा कंपेयर, पांचवा कंपेयर, सारा कंपेयर इसका देख लेंगे वन बाय वन। तो उसके बाद हम लोग करते हैं परिवहन व्यय। तो आप ये जानते हैं कि रेलवे हमेशा क्या होगा, सस्ता होगा किसकी तुलना में, रोड की तुलना में, और यहाँ पर यही चीज उल्टा, अधिक भाड़ा देना पड़ता है रोड पर। आप ट्रेन का टिकट ले करके यहाँ से जहाँ आप अपने घर पे हैं, मान लीजिए आप, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मान लीजिए मैं बनारस से हूँ, ठीक है ना, तो बनारस से दिल्ली तक मेरा जितना ट्रेन का किराया होगा, उससे ज्यादा किराया मुझे दिल्ली में उतर के ही दिल्ली जाने में लग जाएगा। मतलब यहाँ से बनारस से दिल्ली चले गए, लेकिन दिल्ली में उतरने के बाद वही किराया लग जाएगा, इतना डिफरेंस है रेलवे में, ठीक है ना। दुर्घटनाएं देखो, बस में, फोर व्हीलर में या फिर बाइक में दुर्घटनाओं का चांस 5,000 में 1 होता है, यानी हर 5,000 में 1 दुर्घटना हो जाती है। ट्रेन में ये संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ बहुत ही कम चांस होते हैं रेलवे की दुर्घटना के, लेकिन जब भी ये होती है तो ये मेजर होती है, इनमें माइनर होती है उसमें मेजर होती है, ठीक है ना। हाँ, दुर्घटनाएं कम होती हैं रेलवे में, और दुर्घटनाएं अधिक होती हैं किसमें, सड़क में। फिर मार्ग की लंबाई, रेल पथ की अनुलंब ढाल चपटी रखनी पड़ती है, जिससे मार्ग की लंबाई बढ़ जाती है और निर्माण व्यय अधिक होता है। जब भी रेलवे बनता है तो छोटे में नहीं घुमा दिया जा सकता, हर जगह पर बड़े बड़े ट्रैक बिछाने पड़ते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी जब कभी घूमेगी तो छोटे ट्रैक पर वो घूम नहीं सकती है, लेकिन अनुलंब ढालें तीखी अपनाई जा सकती हैं, जिससे सड़कों की लंबाई घट जाती है। जब कभी सड़क पर घुमाव देना हो तो अचानक से भी घुमा सकते हैं, डजेंट अफेक्ट एट ऑल। सीमित सेवा, अभी तक रेलवे के फायदे तुमने देखे, एक नुकसान समझ लो, रेलवे हर जगह नहीं है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो कहीं भी नहीं जा सकता है। उबड़ खाबड़ स्थानों, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बनाई जा सकती। आज भी तुम अगर दिल्ली से शिमला जाना चाहते हो तो एक जगह पर ट्रेन से उतर के तुमको अंत में बस ही पकड़नी पड़ेगी, और फिर बस पकड़ के ही जिगजैग पहाड़ियों में, वहां के बस चालक ऐसा पहाड़ी पे घुमा देते हैं कि एकदम उलट जाओगे जैसे लगता है। तो उन जगहों पे तुम्हें फिर अपने साधन से या फिर आपके रोड से ही जाना पड़ेगा, वहां पे रेलवे संभव नहीं है। और रेलवे वहां पे होती है तो अक्सर टॉय ट्रेन होती है। टॉय ट्रेन मतलब छोटी गेज पर बनी हुई छोटी छोटी ट्रेनें जो बहुत धीरे धीरे चलती हैं, वो वाली को टॉय ट्रेन बोलते हैं, अक्सर हिल स्टेशन पर पाई जाती हैं। तो इसकी सेवा सीमित है, जबकि सड़क हर जगह पहुंची हुई है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आपके घर के बाहर तक पहुंची हुई है, ये इसका प्लस पॉइंट है। निर्माण व्यय रेलवे का ज्यादा होता है, अधिक व्यय आता है, मार्ग पर बड़े बड़े भारी पुल बनाने पड़ते हैं, यानी गलती से अगर कोई पुल आ गया तो पुल भैया आदमी को ढो रहा था तो कम, लेकिन रेलवे को ढोता है तो बहुत मजबूत पुल बनाना पड़ेगा। प्रारंभिक निर्माण लागत रेलवे की तुलना में बहुत कम आती है, यानी रेलवे की तुलना में बहुत कम लागत में सड़क बनती है, लेकिन प्रारंभिक, बाद में सब मेंटेन हो जाता है। सामान्य पुल भी सड़क वाहनों के लिए उपयुक्त है। और उसके बाद हम लोग का आता है आगे ये क्या, अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस, निरंतर देखभाल तथा मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। रेलवे ट्रैक को बराबर निगरानी करनी पड़ती है, और जबकि सड़क में टूट गया चल रहा है, चलने दो। उसके बाद संचालन,
सुरक्षित संचालन के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी थोड़ी सी लापरवाही भयानक दुर्घटना कर सकती है। यानी मतलब उसके लिए रेलवे में इतने इम्प्लॉय, इतने टेक्निकल इंजीनियर्स और इतने सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। रेलवे में, रोड में ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक चालक सावधान रहे जो चला रहा है, वो सब कुछ बचा लेगा। बात समझ रहे ना? तो इसमें बहुत सारे लोगों की आपसी सामंजस्य यानी एक बड़े टीम वर्क की जरूरत होती है, उसमें कोई टीम की खास जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, एक क्वेश्चन था ये, रेलवे के परिचय से क्वेश्चन खत्म होता है। अब मास ट्रांजिट सिस्टम, मास ट्रांजिट सिस्टम अभी आप लोगों में नया जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो इसको थोड़ा मैं इससे फोकस करके बात करना चाहूंगा। बाकी आप जो अभी तक पढ़े हैं वो तो आप कर लेते हैं, वैसे भी मास ट्रांजिट सिस्टम भी आसान है। देखो वैसे मैं रेलवे को भी कहूंगा कि मास ट्रांजिट सिस्टम है। मास ट्रांजिट सिस्टम का मतलब होता है जब भारी मात्रा में सामान या लोगों को ढोने का काम किया जाए तो उसको मास ट्रांजिट सिस्टम कहते हैं। अब यदि बात करूं कि ऐसी कौन कौन से तकनीक है जिसमें ऐसा हो रहा है, तो मेट्रो सुना होगा तुमने, मेट्रो जानवरों की तरह लोगों को भर के एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर छोड़ दो, जहां लोगों को रोज यात्रा करनी है, भारी मात्रा में यात्रा करनी है, तो वहां पर मास ट्रांजिट सिस्टम आपके सेट किए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं, तो पहला क्वेश्चन उससे क्या बना हुआ है उसको देख लीजिएगा। पहले तो यही पूछ दिया कि मास ट्रांजिट क्या है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अब मास ट्रांजिट क्या है तो देख लीजिए, मास ट्रांजिट जिसे मास ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है के अंतर्गत बसों और ट्रेनों का उपयोग पब्लिक द्वारा किया जाता है। मास ट्रांजिट यानी सामूहिक परिवहन इसको हिंदी में कहते हैं। ये अनिवार्य विशेषता यह है कि कई लोगों को एक ही वाहन, जैसे बस, बस भी मास ट्रांजिट है, एक ही वाहन या संलग्न वाहनों के समूहों में ले जाया जाता है। यह लोगों को अधिक दक्षता के साथ एक ही यात्रा गलियारे में स्थानांतरित करना संभव बनाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को ले जाने के लिए लागत कम हो सके। जैसे आप अपने कार से आप घूमें और एक मास ट्रांजिट सिस्टम से आप घूमें, दोनों में काफी अंतर हो जाता है, ठीक है ना। यानी आप जान लीजिए कि इसमें क्या होता है, क्योंकि जो कॉस्ट आती है वो कई लोगों पर पड़ती है अलग अलग। तो जैसे आप मेट्रो तो जानते ही हैं, एक मोनोरेल प्रणाली भी होती है जो सामान ढोने के काम अक्सर आती है, जो एक ही पटरी पे चलती है। मोनोरेल का मतलब होता है मोनो मतलब एक और रेल मतलब एक पटरी। तो कई जगहों पर आपने देखा होगा इसके बारे में, मैं कुछ मूवीज के नाम भी ले लेता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ब्लैक पैंथर मूवी आई थी, उसमें वकांडा में आपने देखा होगा कि जो धातु पाई जा रही थी उससे उन्होंने मोनोरेल बनाई थी। मोनोरेल आपको वैसे भी देखने को मिल जाएगी, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो नहीं देखे हैं या जो छोटे शहरों से लोग हैं, वो मूवी तो देख ही सकते हैं। तो जापान में देखे होंगे कि ट्रेनें उल्टी लटक के चल रही है, पटरी ऊपर है, ट्रेन हवा में लटकी हुई और चल रही है। तो एक पटरी से ऐसे जकड़ी होती है पूरा डब्बा, और डब्बे में लोग क्या कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं। तो ऐसी प्रणाली को बोलते हैं हम लोग मोनो रेल सिस्टम या मोनो टेक्नोलॉजी। तो हम लोग तो दो पटरियों पर दौड़ते हैं ना, उसमें एक ही पटरी होती है मोनो में। लेकिन अगर मास ट्रांजिट सिस्टम की बात करें तो मास ट्रांजिट में जितनी भी सिटी बस है आपकी या ट्रेन है आपकी, या फिर सिटी बस में आजकल देखे होंगे दिल्ली में एक बस चलती होती गवर्नमेंट, जो लोकल में ही केवल चलती है, केवल लोगों को इधर से उधर, जो ऑटो ऑटो में जो खर्चा लोगों का ज्यादा लगता है ऑटो से काफी कम कॉस्ट कर देती है उसकी, तो वो सब मास ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं एक बार देख लीजिएगा, क्या क्या आता है उसमें। सिटी बसें हैं, ट्रॉली बस है, ट्रॉम या लाइट रेल, ये इसके बारे में आप जानिए तो बहुत पुराना सिस्टम था रेलवे का, जिसमें शहर के अंदर छोटी छोटी रेलवे लाइन, रेलवे लाइन नहीं था वो, रेल नहीं चलती थी वो, बस ही होती थी लेकिन वो पटरी पे चलता था। तो उससे फायदा ये होता था ना, कई शहरों में देखिएगा सड़क पे ही पटरी रहती है, उस पे चालक ही चलाता है, लेकिन वो कंट्रोल जहां चाहे वहां रोक सकता है। एक सिस्टम ये था कि ट्रेन कहीं भी नहीं रुकती है, ट्रेन को रुकने के लिए सिग्नल चाहिए, आई बस की तरह ही चलता है लेकिन पटरी पे चलता है, तो ट्रामवे की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपका यात्री ट्रेन है आपका, जो आप नॉर्मल ट्रेन है, रैपिड ट्रांजिट यानी मेट्रो, सबवे, और उसके बाद आपका अंडरग्राउंड रेल। ये सब क्या होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, ये सब मास ट्रांजिट सिस्टम के हिस्से हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें शहरों के बीच में अगर कुछ ऐसी चीजें आए तो उसमें कुछ और मास ट्रांजिट के सिस्टम जो है, मतलब मान लीजिए मास ट्रांजिट सिस्टम बड़े पैमाने पे भी है, छोटे पैमाने पे देखिए यहाँ बात करें, जैसे बड़े पैमाने का मतलब हुआ ये सब शहर के अंदर ज्यादातर चलने वाली चीजें, मेट्रो है या ये सब चीजें, लेकिन जब दूर दूर दो दो बड़े शहरों के बीच की बात होती है तो फिर एयरलाइंस, कोच, इंटरसिटी, तेज गति की रेलें, ये सब चीजें जो है दो अलग अलग शहरों का नहीं सर, बड़े दूरी के लिए ये सब। अब वो सब क्या होता है, कम दूरी के लिए अंदर अंदर काम करता है, ठीक है ना। जैसे मुंबई में जाएंगे तो लोकल ट्रेन चलती हैं तो वो शहर के अंदर काम करती हैं,
लेकिन आपके यहाँ से भी तो मुंबई ट्रेन जाती है, तो मुंबई लोकल ट्रेन जो होती हैं उसमें लोग खड़े होने की जगह होती है, उसमें कभी भी बैठने की जगह नहीं होती है, खड़े होके लोग रहते हैं और खड़े होके आते जाते हैं और ऐसे धक्का मार के चढ़ाया जाता है। कभी अगर आप देखे होंगे तो ट्रेन आई, लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं, फिर उनको धक्का देकर चढ़ा दिया जाता है, फिर चढ़े उतरे, मतलब इस टाइप का सीन रहता है जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स होती हैं, ठीक है ना, वहाँ की कहानी, क्योंकि लोग रोज वहाँ कमाने खाने वाले लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब था किसके बारे में, जो मास ट्रांजिट सिस्टम था उसमें ये सब चीज़ें, इनके बारे में आप अगर ज़्यादा नंबर तो लिख सकते हैं थोड़ा बहुत कि सिटी बस में ऐसे ये वो जो भी बना के तुम इसके बारे में जानते हो। फिर इसी तरह से मेट्रो पर संक्षिप्त टिप्पणी आ गया। अब मेट्रो क्या है, तुम पहले से बहुत सारे लोग अगर यूपी में हो तो यूपी मेट्रो है, यानी लखनऊ मेट्रो, लखनऊ में मेट्रो बन चुकी है, वहां पे तुम कभी ना कभी गए होगे यदि यूपी से हो तो, दिल्ली साइड से हो तुम यदि तो तुम नोएडा में या दिल्ली में अगर रहे हो या उधर साइड से हो तो तुमने दिल्ली मेट्रो में सफर किया होगा, बैंगलोर है, मतलब कई जगह पर मेट्रो क्या है तुम जानते हो, ये भी मास ट्रांजिट सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है ना। एक टिप्पणी लिखना है उसके ऊपर, क्या टिप्पणी लिख सकते हैं, टिप्पणी मतलब होता है नोट्स, टिप्पणी मतलब क्या होता है, जो जानते हो कुछ बता दो इसके बारे में। जब भी कहीं पर कुछ बोला गया ऐसा कि टिप्पणी लिखो या नोट्स लिखो, तो कहने का मतलब है जो जानते हो थोड़ा बहुत बता दो, बस इतना ही इसका मतलब होता है। मेट्रो एक तीव्र पारगमन रेलवे प्रणाली, तीव्र मतलब फास्ट है, यह एक शहरी क्षेत्र में उच्च क्षमता और आवृत्ति के साथ संचालित होती है, मतलब ये किसी भी सिटी में हाई कैपेसिटी के साथ और हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है, हर दो दो मिनट पर मेट्रो अवेलेबल है किसी जगह के लिए, मतलब मिल जाती है। तीव्र पारगमन, पारगमन मतलब तेजी से जाने के लिए, यानी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये, कम जमीन का उपयोग के साथ कम दूरी पर लोगों को बड़ी संख्या में परिवहन करने में सक्षम है। दूरी कम हो, मतलब 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के रेंज में रन करती है ज्यादातर, और इसमें लोग क्या होते हैं, ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, जिस शहर में भीड़ ज्यादा होती है लोगों के पास क्या है, डेली का आना जाना का, वहां पर मेट्रो यूज की जाती है। दिल्ली मेट्रो भारत में सबसे बड़ी और व्यस्ततम मेट्रो है, मतलब दिल्ली के मेट्रो का सबसे ज्यादा व्यस्त मेट्रो कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग, और दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी लंबी मेट्रो प्रणाली है, मतलब दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत सारी मेट्रो हर जगह है, जापान में सबसे फास्टेस्ट, लेकिन दिल्ली में क्या है, सबसे बड़ी 9वीं प्रणाली दिल्ली की मेट्रो प्रणाली है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें बताया गया है कि प्रणाली में, यहाँ पे आगे बताया गया है कि इस प्रणाली में ब्रॉड गेज और मानक गेज दोनों का उपयोग करके भूमिगत और उन्नत स्टेशनों, भूमिगत का मतलब होता है जमीन पर और उन्नत मतलब होता है एलिवेटेड, कहीं ऊपर, इनमें मिक्सर, कहीं पर मेट्रो ऊपर से गुजरती है, कहीं जमीन पर गुजरती, कभी अंडरग्राउंड भी जाती है टनल में। पावर आउटपुट 25 किलोवाट, 50 हर्ट्ज वैकल्पिक ओवरहेड कैटनरी के माध्यम से वैकल्पिक रूप से आपूर्ति की जाती है। इसमें पावर के बारे में बताया कितनी आपूर्ति, मेट्रो आमतौर पर 6 और 8 कोच लंबी होती है, मतलब उसमें 6 से 8 कोच होते हैं। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में मेट्रो रेल एक महत्वपूर्ण कड़ी है, मतलब मेट्रो ना हो तो दिल्ली का पूरा सिस्टम बिगड़ जाए। इससे पहले परिवहन का ज्यादातर बोझ सड़क पर था, बहुत सारे लोग सड़क पर चल रहे थे, यह हर स्टेशन पर लगभग 20 सेकेंड रुकती है। सभी ट्रेनों का निर्माण दक्षिण कोरिया की कंपनी रोटेम द्वारा किया जाता है, उत्तर कोरिया तो कर ही नहीं सकता है, वो अपने ही में परेशान है। तो हमारे जो दिल्ली के जितने भी आपका ट्रेन है यानी मेट्रो की, उन सब का निर्माण कौन कर रही है, क्या दक्षिण कोरिया की कंपनी। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, भारत में जरूरत है इन कंपनियों को चलाने की, हमारे यहाँ, वहां से आएगा तो वहां के लोगों को पैसा दो, जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा, तमाम दिक्कतें हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, प्रारंभिक अवस्था में, मतलब शुरू में ऐसा सोचा गया कि इसकी योजना 6 मार्गों पर, 6 जगहों पर चलाने की थी, जो दिल्ली के ज्यादातर हिस्से को जोड़ते थे, मतलब पहले इसमें दिल्ली में केवल 6 जगहों पर चलाने की परियोजना थी, फिर आगे बाद में इसका विस्तार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे शहरों, जैसे गाजियाबाद यूपी में आता है, तो कहने ये हरियाणा में आता है गुड़गांव, कहने का मतलब है कि केवल दिल्ली में योजना थी 6 रूट पे, लेकिन जो भी एनसीआर के क्षेत्र थे तो उन जगहों पर भी इसकी व्यवस्था क्या कर दी गई, मतलब अब उत्तर प्रदेश में, अब आगे लिखा गया ना यहाँ पे कि सफलता से प्रभावित होकर इसकी सफलता इतनी अच्छी रही कि भारत के दूसरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी मेट्रो चलाने की योजनाएं बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो चल गई, अच्छा हुआ। दिल्ली मेट्रो रेल व्यवस्था अपने शुरुआती दौर से ही ISO 14001 प्रमाण पत्र अर्जित करने में सफल रही है, जो सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से काफी
महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये था मेट्रो रेल पे टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट। इसी तरीके से यदि मोनोरेल पे पूछ दिया तो मोनोरेल पे पूछा तब क्या होंगे, तो अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। एक वंशक या एक रेल, मोनोरेल का मतलब होता है एक ही रेल, दो दो पटरियां है ना, एक रेल परिवहन प्रणाली है जो केवल एक रेल पर चलती है। प्रायः यह एकल रेल पथ जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाया होता है, जमीन से कुछ ऊपर ये रेलवे लाइन बनाई जाती है और उसी पर रेल दौड़। विश्व की पहली मोनोरेल 1820 में रूस के इवान इलोनोवा द्वारा बेहतर यातायात के विकल्प के तौर पर बनाई गई थी। खैर ये सब शुरुआती दौर है, इसका इतना ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। मोनोरेल का उपयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में पूरी और थोड़ी सी बात लिखी गई है, आप इसमें जितना याद कर पाए। देखो तुम कंसेप्ट जान चुके हो तो फिर तुम जितना लिख पाओ उतना बेटर है। अगर तुम कंसेप्ट जान चुके हो तो जितना लिख पाओ उतना बेटर है। तो कहने का मतलब आगे बोला है कि इस प्रकार के माल को कारखाने के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, मान लीजिए कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, जैसे सपोज करो सीमेंट की कोई फैक्ट्री है, तो उसमें लोग फैक्ट्री के अंदर अंदर ही मोनोरेल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से रोज सीमेंट का क्लिंकर उठा के वहां ले जाना था ग्राइंडिंग के लिए, पीसने के लिए, तो मजदूर उठा उठा के रोज ले जाते थे, पता चले वो अपना एक मोनोरेल बना लिए और उससे एक कोच बड़ा सा जोड़ दिए, उसमें एक आदमी सामान फेंक रहा है, वहां जाके अनलोड हो जा रहा है। तो कई बार फैक्ट्रियों के अंदर तुम देखे होगे कि चलता रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती रहती है फैक्ट्रियों के अंदर, तब भी मोनोरेल का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसमें थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे हम लोग। संरचना की दृष्टि से और पथ के लिए प्रयुक्त सामग्री के आधार पर मोनोरेल को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया, तीन तरह की हो सकती है, या नल प्रणाली हो, पट्टीदार हो, या विशेष आकृति की पटरी वाली। ये उनका जो बनावट है ना उसके आधार पे, इलेबोरेशन नहीं करना, कोई जरूरत नहीं आपको बताने की कि नल प्रणाली क्या है, पट्टीदार मोनोरेल क्या है, इनका नाम नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है ना। और इसमें बताया गया कि मुंबई मोनोरेल थी स्वतंत्र भारत की प्रथम मोनोरेल परियोजना, इसका निर्माण कार्य जनवरी 2009 में आरंभ हुआ था और इसका प्रथम परिचालन रेखा का उद्घाटन 1 फरवरी 2014 को हुआ था। मुंबई मोनोरेल भारत की बहु प्रतीक्षित यानी काफी दिनों से इसका वेट किया जा रहा था बनने का है। मोनोरेल के आसमानी नीले गुलाबी और हरे रंग के कोच में 20 यात्रियों के बैठने की जगह है, जबकि अधिकतम 568 यात्री ट्रेवल कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये था मोनोरेल के बारे में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये मास ट्रांजिट सिस्टम को देखें। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है रेलवे का सर्वेक्षण। आइए देखते हैं, अगर आपको ये पता है कि रेलवे का सर्वे क्या होता है, ठीक है ना, तो फिर बवाल कोई दिक्कत ही नहीं है। सर्वेइंग का मतलब होता है, देखो यार सर्वेक्षण एक तो तुम पढ़े भी हो कि सर्वे क्या है अपने आप में, और रेलवे के लिए जो सर्वे करना पड़ता है वो रेलवे सर्वे। तो भाई रेलवे लाइन गुजारनी है तो कौन कौन सा सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए जगह को देखना समझना कि यहाँ से रेलवे जाएगा तो किन किन लोगों को फायदा होगा और रेलवे का संरेखण न्यूनतम रहे, कम से कम नदी नाले गड्ढे पड़े, ये सब अगर तुम बेसिक जानकारी जानते हो तो फिर क्वेश्चन का रूप जैसा भी बदल के पूछो तुम आंसर कर लोगे। कैसे, आओ देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे आंसर। तो पहले क्वेश्चन हमसे पूछा, नए रेल मार्ग का संरेखण करते समय किन बातों को ध्यान में रखेंगे, व्हाट आर द थिंग्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल अलाइनिंग अ न्यू परमानेंट वे और न्यू रेलवे लाइन। क्वेश्चन इसका मतलब क्या हुआ, कोई नया रेलगाड़ी ले जाना है तो अलाइनमेंट क्या होता है, संरेखण क्या होता है, जहां से हो कि कोई रेलवे लाइन जाती है ना वो उसका संरेखण कहलाता है, ठीक है। अब मतलब उसका सेंटर लाइन एक तरीके से तुम कह सकते हो। अब एक चीज समझो जरा यहाँ पे कि रेलवे लाइन अगर जहां से गुजर रही है, ठीक है, उस मैं बार बार एक चीज और कह रहा हूँ, देखो ये सब क्वेश्चन देखो और ये जो PDF है ना उसको ऐप से डाउनलोड करके एग्जाम में जाने से पहले ऐसे स्क्रॉल करके पूरा रीडिंग लगा के जाना, वीडियो देख लिए, टेक्निकल बात समझा दूंगा, PDF को एक बार बस ऐसे रिवाइज करके यदि चले गए ना तो समझो कि तुम्हें अगर घुमा फिरा के कुछ भी दे तुम आंसर लिख के आओगे, लिख के आओगे आंसर, ये गारंटी है। इस वजह से ध्यान से देख करके जाओ, ठीक है। तो हम लोगों को पूछा कि रेलवे लाइन ले जाते समय क्या बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। तो पहली बात ये समझा दिया कि संरेखण कहते किसको हैं, रेल मार्ग की मध्य रेखा की स्थिति, यानी कोई रेलवे लाइन ऐसे 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 जाएगी तो दो पटरियां जाती है ना, तो इसमें जो ये मिड लाइन है ये कहाँ कहाँ से होके जाएगी, इसी की स्थिति को क्या कहते हैं, अलाइनमेंट यानी संरेखण कहते हैं। अब नए रेल मार्ग के लिए उनमें संरेखण का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, कहाँ से होके रेलवे जाएगी
उस पाथ को डिसाइड करना, उसका संरेखण निर्धारित करना कहलाता है। किन बातों का ध्यान रखेंगे बताइए संरेखण निर्धारित करते समय, यह भी एक तरह का सर्वे है। सबसे पहले ध्यान रखना लंबाई का, रेल मार्ग की लंबाई दो नगरों अथवा दो स्थानों के बीच व्यवहारिक दृष्टि से न्यूनतम होनी चाहिए। अब कहीं पहुंचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह रेल मार्ग बनाना है, सीधा भी जा सकते थे, अब पता चला ऐसे ऐसे घूम करके ऐसे जा रहे हो, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। घुमा भी सकते हैं, बस उसकी कुछ दूसरी वजहें भी होनी चाहिए। जैसे हो सकता है कि इधर से घूम के जाने पे कई और चीजें कनेक्ट हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से लंबाई को न्यूनतम रखने का प्रयास करिए, ऐसा संरेखण बनाइए। व्यय, रेल मार्ग के निर्माण पर कम से कम व्यय आना चाहिए या अधिक कटाव भराव नहीं होना चाहिए। मतलब जहां से गुजरे पता चले वहां एम्बैंकमेंट बहुत ज्यादा करना है, मिट्टी का भराव करना है या बहुत ज्यादा कटाव करना है, कोशिश करना चाहिए कि ग्राउंड लेवल के लेवल से थोड़ा बहुत कटाव भराव पर रेलवे बन जाए। दूसरा, नदी नाले। अब संरेखण अगर जहां से रेलवे तुम ले जा रहे हो उस पर नदी नाले बहुत ज्यादा आ गए तो रेलवे में ब्रिज बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से कोशिश करना चाहिए कि नदी नालों को न पार करना पड़े, बात समझ आ रही ना। उसके बाद भूमि, भूमि यानी अगर जहां से रेलवे लाइन गुजर रही है उसके अगल बगल में, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भूमि ना हो जिसको अधिग्रहित करने में सरकार का पूरा बजट चला जाए। किसी शहर के बीच से रेलवे लाइन गुजर दिया कोई, यहाँ से बहुत बढ़िया रेलवे लाइन जाएगा, पता चले शहर के लोग जमीन देंगे अपनी, और देंगे भी तो उसका मुआवजा कितना ज्यादा उनको देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऐसी जगह से ले जाओ तो थोड़ा आउटर से होके जाए हमेशा, ठीक। पुल, रेल मार्ग में पड़ने वाले नदी नालों को समकोण पर पार करे। जैसे मान लो कोई ब्रिज यहाँ पे ऐसे कोई आपका नदी था और रेलवे लाइन तुम ऐसे ले आए और इससे ऐसे तिरछा पार करा रहे हो, देख रहे हो कितना लंबा हो गया, ये कितना लंबा पुल बनाना पड़ेगा। इसको यदि यहाँ से ऐसे घुमा के अगर तुम इसको ऐसे समकोण पे पार कराए होते तो फिर आगे घुमा लो ले जाकर इधर ले जाना, तो यहाँ कम लंबाई का पुल बनाना पड़ता। पुल का जब स्पैन बढ़ता है ना तो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, पुल का जब स्पैन बढ़ता है तो ये काफी ज्यादा क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब पुल वगैरह ना पड़े इसका, ठीक है ना, यहाँ पे पुल वगैरह इस पर ना पड़े। फिर मुख्य नगर यानी रेल लाइन पर मार्ग पर पड़ने वाले सभी नगरों यानी व्यवसायिक क्षेत्रों, औद्योगिक केंद्र, मुख्य गांव तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हुए बिछानी चाहिए। मतलब रेलवे लाइन गुजरे तो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जगहों को जोड़ते हुए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस रेलवे का प्रयोग कर पाए। उसके बाद है कर्व यानी इस पर कम से कम कर्व पड़ने चाहिए। जैसे गाड़ी जब घूमती है तो सीधी सीधा हो, बहुत ज्यादा शार्प होता है ना तो गाड़ी क्या होती है, दो वजह कर्व होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, ठीक है ना। दो बातों का ध्यान रखो कि रेलवे लाइन पे बहुत ज्यादा कर्व ना पड़े, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि बिल्कुल सीधा भी ना हो। जानते हो बिल्कुल सीधी रेलवे लाइन या बिल्कुल सीधी सड़क खतरनाक भी होती है, मालूम है आपको। आप पाएंगे भारत में ये कोशिश की जाती है कभी भी बिल्कुल सीधा 3 किलोमीटर से ज्यादा ना जाना पड़े, 3 किलोमीटर से ज्यादा स्टेयरिंग छूना पड़े ड्राइवर को। क्यों? इससे तो एक तो ड्राइवर के सो जाने का खतरा है, स्टेयरिंग जब घुमाना पड़ता है तो ड्राइवर एक्टिव रहता है, अगर कहीं सीधा सड़क जा रही है तो ड्राइवर अच्छा ठीक है चली, पुराने निरस्ता आती है, मोनोटोनियस माहौल हो जाता है। इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि बचे इससे, एकदम सीधा भी ना रहे और ऐसा भी नहीं कि जगह जगह बहुत घुमाना तो फिर दिक्कत भी हो जाती है, तो एक हिसाब बना रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रैक पर यहाँ पे ट्रैक पर वक्रों के कारण ट्रेन चालक चौकन्ना रहता और गाड़ी पर बेहतर नियंत्रण रखता, परंतु अत्यधिक वक्र की गाड़ी की चाल को भी प्रभावित करती है, यानी कर्व भी बहुत ज्यादा ना हो और सीधा भी बिल्कुल ना हो। इसके अलावा ढाल है आपका, ढाल का मतलब हुआ, ढाल का मतलब रेलवे जब जा रही किसी जगह से तो बहुत ज्यादा चढ़ान या बहुत तेज उतरान दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अनुलंब ढाल का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, मतलब नियंत्रक। अब ये ढाल वगैरह का नियंत्रक मान भी मैं पढ़ाया हूँ मेन क्लास में, आप यहाँ पे मेंशन मत करिएगा। एक होता है रूलिंग ग्रेडियंट, तो रूलिंग ग्रेडियंट से अंदर अंदर ग्रेडियंट हो तो ठीक रहता है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ अवांछित क्षेत्र होते हैं, मतलब रेल पथ को नगर की घनी बस्तियों यानी मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हो उसके बीच से नहीं निकालना चाहिए, या घनी आबादी से एक छोर से होता हुआ निकले, मतलब आबादी रहे उसके बगल से निकले तो बहुत ही यूजफुल है, आबादी में घुसा दो नहीं यूजफुल है, ठीक है ना। उसके अलावा सौंदर्य स्थल, कोशिश करिए कि रेल मार्ग जहाँ तक संभव हो नेचुरल जगहों से मतलब अच्छी अच्छी जगहों से होता हुआ जाए, प्राकृतिक क्षेत्रों से, ताकि लोगों को यात्रा में आनंद मिले। उसके अलावा सुरक्षित मार्ग का ध्यान रखिए कि ये संरेखण निर्धारित करें कि इतने सारे पॉइंट हैं,
अब 11 पॉइंट है, आप इनमें से 8, 9, 7, 8 ठीक ठाक पॉइंट लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली। ठीक ठाक इतने सारे पॉइंट हैं जो तुमको सही लगे, तुम कोई भी 8, 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 7 पॉइंट मैंने जितना बेटर लिख पाओगे उतना बढ़िया होगा, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो इसका संरेखण भयानक जंगल ऐसी जगह से गुजार दो, रेगिस्तान अथवा शत्रु क्षेत्र की सीमा, अब बाउंड्री पर कोई रेलवे गुजर रही है पता चले वहां हमेशा अटैक होते रहते हैं तो वो सही जगह नहीं होते हैं उनके यूज के लिए, ठीक है। ये इसके बारे में था, तो ये संरेखण से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये अगला टॉपिक है आपका, क्यों रेलमार्ग सर्वेक्षण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सर्वेक्षण का अगर कहीं पूछा कि रेलमार्ग के सर्वेक्षण के क्या क्या तरीके हैं तो भैया उसको तुम बनाने की कोशिश करना कि मतलब क्वेश्चन बदला तो तुम उसकी रूपरेखा को ठीक करने की कोशिश करना, जो तुम जानते हो घुमा फिरा के वहीं पर ले जाना। देखो एग्जाम देने का सबसे अच्छा तरीका है रिटन एग्जाम देने का, ठीक है ना, वो भी थ्योरेटिकल एग्जाम जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। उसमें देखो तुम एग्जामिनर को जब लिखो तो पहली बार हेडिंग बनाने की कोशिश करो, डायग्राम देने की कोशिश करो, दूसरा चीज साफ सुथरा लिखो, ये सब से ना 5 नंबर बढ़ता है, इन सब से 5 नंबर बढ़ जाता है। उसके बाद का नंबर तुम्हारे कंटेंट से बढ़ता है, क्या लिखे हो तुम अंदर, क्या लिखे हो वो पढ़ने के बाद, उससे पहले तुम्हारी राइटिंग, सफाई और हेडिंग, 3 चीजों पर अगर तुमने ध्यान रखा तो ऐसे सब्जेक्ट में नंबर उठते हैं जो ये सब्जेक्ट, और थोड़ा सा वो पॉइंट जो उससे रिलेवेंट हो, जैसे क्वेश्चन पढ़े और जो तुम्हें लग रहा है कि इस क्वेश्चन की सबसे जरूरी बात है उसको पहले दूसरी लाइन में लिख दो, क्वेश्चन की सबसे जरूरी बात पहले दूसरे लाइन में लिख दो, उसके बाद तुम करो जो तुमको याद आ रहा हो, जो समझ में आ रहा हो लिखो, लेकिन कुछ 2-4 सिंपल। अच्छा कहो सर नई बात क्या बता दी, मैं नई नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम चुप कर क्यों नहीं रहे हो, तुम ये काम कर क्यों नहीं रहे हो, तुम जानते हो लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, जब भी लिखने जाते हो डाइवर्ट हो जाते हो, लिखने जाओ राइटिंग साफ सुथरा रखो, पेन अपना सही यूज करो, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाओ, ब्लू पेन से लिखो, उसके बाद तुम जो सबसे जरूरी पॉइंट है ना उसको पहले दूसरे लाइन में लिख दो, उसके बाद फिर भरो, देखो नंबर पे कितना असर पड़ जाता है तुम्हारे इस छोटे से बदलाव से। अब आगे बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट वे यानी स्थायी रेलमार्ग का वर्गीकरण, यानी रेलवे कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली इससे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा पहला कि सबसे पहले तो यही बोला कि रेलों का वर्गीकरण कीजिए, रेलों का, देखो रेलों का वर्गीकरण का मतलब ये बात कर रहा है रेल, और रेल किसको बोलते हैं। मैं यदि तुमको इस क्वेश्चन से पहले परमानेंट वे दिखा दूं तुमको कि कैसा होता है तो मैं तुमको बोलूंगा कि पहले तुम परमानेंट वे देख लो, ठीक है ना, यानी पहले देखो कि ये दिखता कैसा है। ये सब तो मान लो इसी के क्वेश्चन है, सब मैं दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर बोला पहले ये क्वेश्चन देख लो कि रेल मार्ग के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए, एक रेल मार्ग में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उनको बताइए, जैसे रेल मार्ग पूछा है, रेलगाड़ी नहीं, रेलगाड़ी हमारा पार्ट नहीं है, वो किसका है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। रेल मार्ग मतलब जिस पर रेलगाड़ी चलती है उस ट्रैक की बात, उस पर क्या क्या घटक यानी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे, ये किसका बात रख रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे, इसमें क्या क्या होता है। पहली चीज रेल्स, वो जो पटरियां लोहे की उनको रेल्स बोलते हैं, ऊपर क्वेश्चन इन्हीं से था कि रेलों का वर्गीकरण कीजिए, रेल कितनी होती है। देखिए ये वेल्डेड इस्पात यानी रोल्ड स्टील की आई सेक्शन की बनी होती हैं जिनका शीर्ष मोटा तथा पाद यानी फुट इसका चपटा होता है, फ्लैट फुटेड होती है। एक पटरी के लिए 2 रेलें लगाई जाती हैं, रेलों के गेज की दूरी पर, रेलों को गेज दूरी पर समांतर बिछाया जाता है और रेलों की लंबाई की दिशा में जोड़ने के लिए इनके सिरों पर इस्पात की फिस प्लेटें लगाकर उन्हें फिस बोल्ट से कस दिए जाते हैं। रेल के बाद दूसरी चीज स्लीपर होती है, अब स्लीपर के बारे में अभी डिटेल में आगे पढ़ना है, लेकिन रेलों को वांछित गेज में मतलब जानते हो, जब एक पटरी है दूसरी पटरी है, ये अगर इसको ऐसे काट के हम देखें तो ये कैसी होती होगी, अगर यहाँ पे मान लो रेलवे का एक पट ऐसे है ना, इसी पर रेलवे रेल दौड़ेगी, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा होता है ना भाई, ये कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे होता है एक पटरी और दूसरा पटरी क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे होता है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है, ये इनके बीच की जो दूरी होती है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, गेज। इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं, ठीक है। तो स्लीपर, स्लीपर पे ये रखे होते हैं, अब स्लीपर कैसे होगा, स्लीपर इनके नीचे ऐसे लगा रहता है,
रेल जा रही है तो एक स्लीपर, ऐसे ही कई स्लीपर लगे रहते हैं जिनके ऊपर पटरी क्या होती है, रखी रहती है। तो ये स्लीपर नहीं रहते तो ये दोनों के बीच का ये जो गेज है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता। तो ये चीजें हैं, अभी पार्ट हम लोग देख लेंगे इसका पूरा। तो अभी यहाँ बोला गया कि स्लीपर गेज में बनाए रखने के लिए इनके नीचे उचित अंतराल पर स्लीपर लगा। स्लीपर लकड़ी, स्लीपर किसके हो सकता है, स्लीपर जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि लकड़ी, इस्पात और ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन के हो सकते हैं, कंक्रीट के भी हो सकते हैं, रेलों को उपयुक्त तो बंधकों यानी फिक्सर द्वारा स्लीपर पर दृढ़ता से जड़ दिया जाता है। स्लीपर पर रेलों पर आने वाले भार को नीचे मिट्टी पर स्थानांतरित करते हैं और ट्रैक को वांछित तल पर बनाए रखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं गिट्टी, यानी इनके अलावा इन पर क्या होता है, एक चीज गिट्टी भी होती है भाई, रेल हुआ, स्लीपर हुआ, अब गिट्टी आ गया यानी बैलास्ट, जिसको बोलते हैं यहाँ मिट्टी लिखा हुआ है, आप इसको बैलास्ट समझिएगा, गिट्टी की बात कर रहा है, ठीक है ना। गिट्टी यानी बैलास्ट जिसको बोलते हैं, स्लीपरों के नीचे साइड तथा सिरों पर पत्थर की गिट्टी डाली जाती है। गिट्टी रेल पथ के लिए एक कुशन कुशन कुशल आधार का कार्य करती है तथा ट्रैक से वर्षा जल की निकासी करती है। गिट्टी डालने के दो रीजन होते हैं, पहला रीजन गिट्टी पर अगर ट्रैक बना है ना तो बेड जैसा मिल जाता है, जैसे तुम चाहो चौकी पे भी सो सकते हो लेकिन चौकी पे तुम बिस्तर लगाते हो ताकि तुम एक फ्लेक्सिबल मतलब मोमेंट हो पाए, जर्क झटके ना लगे उतना, या फिर ट्रैक जो है वो इलास्टिक बना रहे, प्रत्यास्थ बना रहे, तो इस वजह से ये बेड का काम करता है, कुशन का काम करता है। तो कुशन का मतलब होता है आपका क्या, बेड या फिर एक तरीके का गद्दा उसके लिए इसका काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका फॉर्मेशन लेवल होता है, फॉर्मेशन लेवल का मतलब होता है निर्माण तल, यानी तुमने स्लीपर वगैरह को भरने से पहले पहले मिट्टी का एक ढेर बनाया होगा, ये मिट्टी का ढेर बना होगा पहले, फिर इसके ऊपर यहाँ पर मिट्टी के ढेर के ऊपर बहुत सारी गिट्टी लगाई होगी, गिट्टी के ऊपर फिर आपका स्लीपर ऐसे रखा गया होगा, स्लीपर के ऊपर फिर आपकी पटरियां ऐसे रखी गई होंगी दो, ठीक है ना। इस टाइप से रेलवे का निर्माण हुआ होगा, यहाँ पर पूरा गिट्टी वगैरह भरा होगा। तो ये जो मिट्टी का भराव किया गया है एम्बैंकमेंट, इस एम्बैंकमेंट को हम लोग कहते हैं निर्माण तल, ठीक है ना, निर्माण तल, क्लियर है। तो अब यहाँ पर ये भी हो गया निर्माण तल, और उसके बाद अभी एक आपके पास ये डायग्राम है, इसको ठीक तरीके से आप देख करके समझ सकते, ठीक है ना। देखिए ये एम्बैंकमेंट है आपका, ये पूरा एम्बैंकमेंट है, तो यहां से देख लीजिए ये ग्राउंड लेवल था, यहां तक तो ये ग्राउंड लेवल है, लेकिन इस लेवल पर पहुंच करके देखिए फॉर्मेशन लेवल ये दिखा रहा है, ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन लेवल के ऊपर ये भरी गई है गिट्टी, यानी देखिए यहाँ पे ये खाली जगह में भी क्या है, पूरा गिट्टी है, स्टोन बैलास्ट भरा गया है, उसके ऊपर ये स्लीपर बना हुआ है और स्लीपर के ऊपर ये रेल बनाई गई है और इसके बीच की दूरी को यहाँ पे गेज के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये था आपका एक रेलवे के जो जो कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में, कंपोनेंट्स के में जो जो चीजें हैं उसको ध्यान रखिएगा। एम्बैंकमेंट है उसका यानी भराव है, निर्माण तल जिसको कहते हैं, दूसरा उसके ऊपर की गिट्टी है, फिर उसके ऊपर समझ जाओगे सारी चीजों को कि क्या क्या चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पहले वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जो पूछा था हम लोगों से, एक्चुअली ये रेलों का जो आपका वो पूछा था वर्गीकरण, अब जो रेल आई थी ना नीचे जो रेल थी उसी का वर्गीकरण। अब रेल देखिए बनाई गई ना तो तीन तरह की रेल बनाई गई, एक पहला सबसे पहले जो रेल बनी वो डबल हेडेड बनी, बनाया गया सबसे पहले ऐसी रेल को जिस जो दोनों सिरों से क्या हो, देखिए ये रेल जो आपको अभी दिख रही है, ऐसी रेल जो दोनों सिरों से देखिए हेड भी और फुट भी एक जैसा है। इस पर इसके पीछे अवधारणा ये रखी गई डबल हेडेड रेल के पीछे में कि एक साइड भाई हम लोग नीचे रख के रेल इस पर दौड़ाएंगे, जब ये वाला साइड घिस करके खराब होगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे, बदल के ऊपर का नीचे कर लेंगे, लेकिन ये उतना सक्सेस इसलिए लंबे समय तक रेल चली तो पता चला ऊपर वाला तो खराब हो रहा था, जिसको हम सोच रहे थे कि नीचे यूज करेंगे वो भी खराब होने लगा, क्यों, क्योंकि इस पर भी ग्राइंडिंग एक्शन हुआ, इसके भी किनारे फटे, तो ये रेल यूज नहीं हो पाई। अब एक चीज और समझिएगा, नुकसान ज्यादा हो गया, क्यों, दो बार यूज भी नहीं कर पाए, प्लस ये स्टेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि इसको छोड़ेंगे तो ये रुकेगा, रुक भी सकता है बट इतना स्टेबल है, डायरेक्ट स्लीपर पर नहीं रखा जा सकता, इसके लिए चेयर बनानी पड़ती है। तो ये चेयर पे जाके जैसे स्लीपर के ऊपर पहले चेयर लगेगी, चेयर में जाके ये क्या होगा, सेट होगा, तो इसके लिए एक्स्ट्रा चेयर की जरूरत पड़ी, ठीक है। फिर लोगों ने बोला कि जब चेयर हमें लगाना ही है तो क्यों ना इसका दोबारा यूज हो नहीं पा रहा, तो इसको पतला कर दें, इसको
पतला कर दें और ऊपर चौड़ा कर दें। तो ऐसी रेल दोबारा बनाई गई तो उसको बोला गया बुल हेडेड रेल, उसको बोला गया बुल हेडेड रेल। और वो कैसी रही आपकी, तो आप देखिए ये डबल हेडेड है इसमें, और इसी के साथ में फिर बुल हेडेड बनाई गई, बड़े सिर से नहीं, उसका ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा यानी पैर की तुलना में काफी बड़ा रखा गया इसका शीर्ष, और ऊपर के भाग में अत्यधिक मात्रा में स्पाट डाला गया ताकि ये गति भारवान को निचले भाग तक ट्रांसफर। तो इसका मतलब अब ये बना तो इसको नीचे वाला छोटा कर दिया गया। देखो ये नीचे वाला केवल यहाँ पे, यहाँ वाला जो है ये ऐसा बनाया गया और इसके ऊपर, ठीक है। तो इस केस में जब बनेगा ये बुल हेडेड जब बनेगा तो हेड चौड़ा, नीचे वाले को कम माप का बनाया जाएगा। जैसे देखो ये 4.45 है और ये केवल 3.3 है, इस हिसाब का ये बनाया गया, ये सोच करके कि चलो चेयर तो लगाए नीचे कम से कम मटेरियल बचा ले। बट ये भी सक्सेस उतना नहीं हुआ क्योंकि चेयर में जिस पर इनको फिट किया जाता था इस पर पैसा ज्यादा लगता था चेयर पे, यानी यहाँ पर देख ही रहे हैं यहाँ पे विशेष कुर्सी की जरूरत पड़ी। यहाँ पे देखिएगा विशेष प्रकार की कुर्सी का प्रयोग किया गया, इस कारण रेल पथ के निर्माण की लागत बढ़ गई, ये और पैसा खर्चा करवाने लगा। तो फिर एक रास्ता निकला कि एक ऐसा स्टेबल बने, ये सबसे आज तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली रेल है, फ्लैट फुटेड माने चपटे पाद वाली, फ्लैट फुटेड रेल इसको कहेंगे, नीचे चौड़ा कर दो ताकि स्टेबली रुक जाए। जो अभी रेल की पटरी आप देखते हैं वो फ्लैट फुटेड रेल है, ऊपर हेड अपने काम भर कर रखा गया और फिर इसको बनाया गया, ये सबसे ज्यादा सुटेबल है लकड़ी पर इन जगहों पर। अब संसार में लगभग 90% रेल पथों पर चपटे पाद की रेल यानी फ्लैट फुटेड रेल का ही प्रयोग किया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है पूरी बात? तो यहां पर हुआ ये बात क्लियर, ठीक है। अब ये वाला हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन एक और आ गया अगला चैप्टर जिसको रेल गेज कहेंगे। रेल गेज छोटा सा टॉपिक है, गेज को समझा चुके हैं, ये आपसे ज्यादा ज्यादा यही पूछ सकता है यहाँ पे कि रेल गेज में, रेल गेज को समझाइए, रेल मार्ग में गेज की परिभाषा लिखिए। आप ये भी कैलकुलेट करते जाइए क्या है, आप ये चीज जानते हैं। देखिए आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसमें गेज क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें गेज क्या है आप अच्छे तरीके से इस गेज को जानते हैं, तो आप आराम से देख लीजिए कि इसमें आप कितना जानते हैं। क्वेश्चन है रेल मार्ग के गेज की परिभाषा लिखें। पहली बात, भारत में कितने प्रकार के गेजों का प्रयोग किया जाता है तथा इनकी चौड़ाई मीटर में लीजिए। आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। पहले रेल गेज की परिभाषा, परिभाषा मतलब जो रेलवे की दोनों पटरियां होती हैं उनकी अंदर से अंदर की दूरी, सेंटर टू सेंटर नहीं, अंदर से अंदर की दूरी गेज डिस्टेंस कहलाती है। यानी अगर मैं इन शब्दों को ठीक से पकड़ूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो रेल दिख रही है ना, ये जो रेल आपको दिख रही है उनकी ये अंदर से अंदर दूरी गेज कही जाती है, कभी सेंटर से सेंटर मत ले लीजिएगा, गेज हमेशा अंदर से अंदर की दूरी होती है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, तो इसी से बोला गया आगे, चलिए गेज अंदर से अंदर की दूरी है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गेज पहला ये पूछा भारत में कितने प्रकार के गेजों का प्रयोग किया था। भारत में जो है तीन तरह की गेजें होती हैं इस समय, भारत में तीन तरह की गेज प्रचलित है, कौन कौन सी है? पहली है, देखिए भारत में इस समय तीन गेज प्रचलित है, बड़े गेज या मानक गेज इसको बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली गेज है, ब्रॉड गेज इसको बोलते हैं। ब्रॉड गेज की चौड़ाई मीटर में पूछा था हमसे, तो आप मीटर में याद रखिएगा 1.676 मिलीमीटर में 1676 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना, 1676 मिलीमीटर, 5 फीट 6 इंच की पूरी। फिर आता है मीटर गेज, जिसका नाम ही मीटर गेज है, वो 1 मीटर की होती है और 1 मीटर का मतलब हुआ 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना। फिर छोटी गेज आती है जो 762 मिलीमीटर या 0.762 मीटर की, इसको इसको पतली लाइन कहते हैं, जो मैंने कल लास्ट मतलब इसी वीडियो में पहले मैंने जो बताया था टॉय ट्रेन वगैरह के बारे में, वो इसी लाइन पे जनरली चलती है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। एक चीज जान लीजिएगा, हमारे देश का अधिकतर विकास ब्रिटिशर्स ने किया, ट्रेन वगैरह चाहे जो भी, अब चाहे उन्होंने अपने फायदे के लिए किया चाहे चाहे मेरे फायदे के लिए, लेकिन उनके काम आज भी हमारे काम आ रहे हैं। तो भारत में चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भारत में न्याय न्यायालय हो, न्याय जैसी संस्था हो, ये पुलिस हो, ये पहले लोग किसी को पीट देते थे, तो न्यायालय बात करना, लोगों को सिविलाइज करना, सभ्य बनाना, ये सब काम ब्रिटिशर्स ने किया, और उसमें कुछ खास लोगों के नाम होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कभी पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े गेज को मानक रेलवे के रूप में चयनित किया था, और आज भी चयनित है, क्या बदल दिए हम लोग?
ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे प्रॉब्लम भी हमको दी हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाई हैं। अब चाहे वो अपने फायदे के लिए सिखाए हो चाहे हमारे फायदे के लिए, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। देश में रेलों का तेजी से विकास करने के लिए सरकार ने मीटर गेज चालू किया था, मतलब वो कम खर्चे में बन जाती थी, तो सरकार सोची कि इतना चौड़ा गेज बनाने में ये है तो हम मीटर गेज चालू कर दें। तो मीटर गेज चला, लेकिन वही दिक्कत, कोई लाइन जब ब्रॉड गेज से मीटर गेज पे चल नहीं पाएगी, फिर सब कुछ बदलना पड़ेगा। एक ही गेज हो तो रेलवे एक रेन चली कहीं भी जा सकती है, घुमा दिए ट्रैक पे, लेकिन जब पहिया बना है इतनी दूरी पे, अब ट्रैक आगे जाके छोटा हो गया तो वो सही नहीं है। एक ट्रैक की ट्रेन एक ही चली पाती है, तो इस वजह से आप पूरे पूरे देश में ब्रॉड गेज ही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मीटर गेज चालू किया, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे हिली एरिया था वहाँ बहुत चौड़ा चौड़ा रास्ता नहीं मिल पाता, पतला पतला मिलता है, तो उस जगह के लिए टॉय ट्रेन यानी संकरा गेज, जिसको नैरो गेज बोलते हैं, मीटर गेज के बाद नैरो गेज आता है, इनका प्रयोग किया गया। आप एक चीज जान लीजिए, इस समय भारत में 75% से अधिक बड़ी लाइनें, 20% मीटर गेज जिसको बोलते हैं छोटी लाइनें, और 5% पतली लाइनें हैं। यातायात की सुगमता के लिए अब छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। ये था आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, पूरी बात जो पूछा गया था क्वेश्चन, क्या है गेज और भारत में कितने तरह के गेज प्रचलित हैं, वो पूरा जवाब आपका हो गया। गेज से इतना ही क्वेश्चन बस। अब अगला क्वेश्चन बनता है हम लोग का रेल से, ठीक है ना। रेल के बारे में एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, रेल का वर्गीकरण, लेकिन अब देखते हैं रेल से हम लोगों से क्या पूछा। पहिए के सांकीकरण से आप क्या समझते हैं, सांकीकरण के कामों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। एक चीज जान लीजिए, सांकीकरण क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक ये पटरी है, ठीक है ना, एक ये पटरी है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, और दूसरा इसी का जो है वो भाई है एक और इसी टाइप, ठीक है ना, ऐसे इसी का एक भाई, और इस पर जो है रेल चल रही है आपकी, इस पर जो है ऐसे ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन का पहिया एकदम गोल ऐसे नहीं दौड़ता है, ये ट्रेन का पहिया ऐसे नहीं चलता है, ये ट्रेन का पहिया ऐसे नहीं रहता कि इस पर डब्बा बनना है, ऐसे रेलगाड़ी भाग रही है। पहिए को ना अंदर फंसाया जाता है, किसमें, ऐसे फ्लैंज में, इस टाइप से हल्का सा ये निकला रहता है एक तरफ ताकि बाहर ना भागे, इसको कहते हैं इस टाइप से पहिया। अब ये निकला इसलिए रहता है, इसलिए रेलवे का जो जो ट्रेन का पहिया होता है वो नीचे से ऐसा हल्का सा निकला हुआ रहता है ताकि वो बाहर की तरफ ना भागे, ठीक है। तो ये बाहर निकला वाला तो इस सिरे को घिस नहीं देगा, तो घिसने से बचाने के लिए, ताकि ये वाला जो सिरा है ये घिसे ना, इसको थोड़ा ना ऐसे ढाल दे दिया जाता है। यानी ऐसे ढाल का मतलब ये ऐसे ले जाएंगे पीछे ना, तो ये पहिया ऐसा हो जाएगा, इसकी कोनिंग हुई है। कोनिंग का मतलब ये असल में एक शंकु है, बहुत बहुत हल्की सी स्लोप, यानी स्लोप को कहते हैं, ये स्लोप 1:20 की होती है, यानी 20 मीटर में 1 मीटर की स्लोप होती है, बहुत हल्की सी स्लोप दी जाती ताकि उसका टेंडेंसी अंदर रहे, ये वाला सिरा रेल का घिसे ना जल्दी जल्दी। तो इसको कहते हैं पहिए का सांकीकरण, और पहिए का सांकीकरण करने से हम लोग घिसाव को रोक सकते हैं, किसके, स्लीपरों के घिसाव को हम लोग रोक सकते हैं। तो उसी चीज को यहां पर समझाया गया है, क्या देखिए यहां पे लिखा गया है, सांकीकरण यानी कोनिंग को, सीधी चपटी रेल पर रेलगाड़ी के पहिए ठीक सीधी रेखा पर नहीं दौड़ते, घूमते समय टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे चलते हैं, ये वो बताया गया है यहां पे, समझ जाएगा। अतः पहियों की इस प्रकार की पार्श्विक गति को रोकने के लिए इसके रिम को, रिम मतलब एक रिम होता है, फ्लैंज होता है, बीच में एक ढाल दी जाती है, इसमें रिम शंकुआकार छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन जैसी हो जाती है, यह ढाल बाहर की ओर रखी जाती है, इसको पहिए का सांकीकरण कहते हैं, सांकीकरण। अब सांकीकरण के लाभ क्या क्या है वो भी, यानी सांकीकरण के उद्देश्य कहिए या लाभ कहिए, तो पहला चीज, धुरी का पार्श्व में खिसकना रुक जाता है और गाड़ी ट्रैक पर संतुलित होकर दौड़ती है, यानी जो धुरी है इसकी वो जो भाग रही थी साइड में वो रुक जाता है, वो इनसाइड कंसंट्रेट। रेल व पहियों के फ्लैंज का निघर्षण और वियरिंग कम हो जाता है, यानी बाहर भागने से बचा तो फिर वो जो साइड वाली रेल का स्कोरिंग हो रहा था, कटाव हो रहा था, वियर एंड टियर वो भी रुक जाता है, पहियों की फिसलन कम हो जाती है। देखो अंदर की तरफ बने रहने, अगर वो सीधा पटरी पे सीधे दौड़ता ना तो फिसलता, लेकिन अंदर की तरफ बढ़े रहने से वो फिसलन भी क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है, ये इसकी कहानी।
अगला चीज हम लोगों से पूछा विसर्पण, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके विसर्पण के प्रभाव एवं इसके कारणों की विवेचना कीजिए। विसर्पण क्या होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर हो सकता है डायग्राम हमारे पास अवेलेबल हो, बिल्कुल यहाँ पर डायग्राम अवेलेबल है। विसर्पण मतलब होता है क्या आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रीप, क्रीप रेलवे में। देखो यहाँ पर सीधे ये रेल है, इसके नीचे दो स्लीपर हैं। कई बार स्लीपर पहले तो सीधे देखो दिख रहे होंगे, लेकिन जब रेल पूरी खिसका देती है स्लीपर के साथ में, सरक जाती है रेल, तो इसको हम लोग विसर्पण कहते हैं, ठीक है ना, क्रीप। इसकी वजह से क्या दिक्कत आ सकती है बताइए। जब पटरी की गिट्टी पर रखा रहता है तो सरक जाने की पूरी चांस है, जब कभी ऐसा हो तो विसर्पण बहुत ही खतरनाक चीज है। इससे थोड़ा बहुत हो तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन ज्यादा होने पे बहुत सारे डिस्टरबेंस आती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे विसर्पण के क्या क्या प्रभाव है और इसके कारण, प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो पहले पहले विसर्पण क्या है वो जान लो। रेल की लंबाई किसी दिशा में अपनी सत्य स्थिति से आगे तथा पीछे की ओर सरकना रेल का विसर्पण कहलाता है, ठीक है ना। क्रीप वैसे तुम सोम में पढ़े होगे तो क्रीप का दूसरा मतलब था, लेकिन यहाँ पर क्रीप का दूसरा मतलब है, कह रहा कि रेल की लंबाई की दिशा में, लंबाई की दिशा में इसी दिशा में, यानी कि साइड में भाग गया रेल, ऐसे थी यहाँ पे, ऐसे जा रही थी, इधर उधर नहीं, आगे पीछे सरक गया, यानी लंबाई की दिशा में अपनी सत्य स्थिति से आगे या पीछे की ओर खिसकना विसर्पण कहलाता है। गैंग की भाषा में इसे रेल का चलना कहते हैं। गैंग मतलब जानते हैं, रेलवे में जो मजदूर यूनियन काम करती है, जो लोग रेल का ट्रैक मैनेजमेंट करते हैं ना, वो एक समूह में रहते हैं, उनको गैंगमैन कहते हैं। एक आदमी को गैंगमैन और पूरे को एक गैंग कहते हैं, जो रेलवे के ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं। तो गैंग वाले जो रेलवे में काम करने वाले गैंग होती है ना, वो उसको रेल का चलना कहती है, कहती है कि रेल चली है या खिसक गई है, ठीक है ना। उनका अपना भाषा है। सामान्यतः दोनों रेलों का सरकना बराबर नहीं होता, कोई कम सरकती कोई ज्यादा। एक रेल अपनी सत्य स्थिति में रहती है और दूसरी सरक जाती है, अथवा दोनों रेल में अलग अलग दिशा में सरकने लगती है। विसर्पण अकेली रेल का अथवा रेल और स्लीपर दोनों का एक साथ भी हो सकता है। सभी रेल पथों में रेलवे का विसर्पण होता है, कुछ स्थानों पर यह बहुत ही कम होता है और कुछ जगहों पर ज्यादा हो जाएगा। ये दिखा दिया मैंने डायग्राम विसर्पण। विसर्पण के कारण रेल का स्लीपरों के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं रह पाता। देखो स्लीपर जो पहले 90 डिग्री पे थे, ये रेल थी, ये स्लीपर 90 डिग्री, लेकिन खिसकने की वजह से ये एंगल क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। और इस जब ये हिलेगा ना, तो जितनी भी फिटिंग वगैरह है सब हिल जाती है, तो इस वजह से दिक्कत आती है, इसको सही करना जरूरी है। और इसका वजह क्या क्या है, तो एक चीज़ आप पहले तो इसका इफेक्ट पड़ेगी विसर्पण के क्या प्रभाव है। पहला प्रभाव विसर्पण का पड़ता है स्लीपर की स्थिति बदलना। स्लीपर अपनी स्थिति से हट जाते हैं और रेल पथ का संरेखण बिगड़ जाता है, अलाइनमेंट गड़बड़ हो सकती है। असम दूरी, स्लीपरों के मध्य समान दूरी नहीं रह पाती, एक स्लीपर दूसरे स्लीपर के बीच की जो दूरी थी वो फिक्स नहीं रह जाती। साथ साथ में और भी इसके प्रभाव हैं, जैसे क्या क्या है। पहले गेज में परिवर्तन होता है, गेज डिस्टर्ब हुआ तो पूरी रेल डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा जोड़ वगैरह यदि दिए गए, रेलवे रेल जोड़ या तो अधिक खुल जाते हैं, जैसे जब झटका लगेगा आगे पीछे पटरी होगी तो जोड़ खुल जाएंगे। अच्छा विसर्पण को इतना पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब रेलवे का खिसकना हमारे लिए खतरा है, इसलिए इसको इसको ध्यान देने की जरूरत। कांटे क्रॉसिंग की स्थिति बदल जाती है, यानी पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो होते हैं, पारक जिसको बोलते हैं, क्रॉसिंग जो होती है जहां पर एक रेल दूसरे रेल से मिलती है, अगर खिसक गई तो वहां पर उनकी स्थिति बदल जाती है। तो ये सब इफेक्ट है सब विसर्पण के, ये सब विसर्पण के कारण से एक्सीडेंट समझिए हो जाने तक के चांस बन जाती है। ट्रैक में दोष आ सकता है, गिट्टी अपने स्थान से हट जाती है जिससे ट्रैक समतल नहीं रह पाता। तो इतने सारे, एक चीज जान लीजिए, यदि विसर्पण को नहीं रोका जाता है तो गाड़ी के डिरेलमेंट का मतलब होता है अपनी ट्रैक से भटकना, हट जाना, ठीक है ना। तो इसके इसीलिए हम लोग विसर्पण यदि हुआ है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उसको ठोंक करके गैती हथौड़े चेने से स्टेबल बनाते हैं। अब विसर्पण के क्या कारण है, किन वजहों से विसर्पण हो सकता है, क्या कारण है इसके जिनकी वजहों से ये हो सकता है, तो उस उन वजहों को जरा आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। पहली वजह है, उसमें दो सिद्धांत उभर के आते हैं। विसर्पण के कारणों का सही विश्लेषण करना कठिन है, ये भी बात लिख दी गई है कि देखो ठीक से तो तुम नहीं जान पाओगे कि क्यों पटरी खिसकी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने सिद्धांत दिए। और सिद्धांत के अनुसार पहला सिद्धांत है ये, देखो पहला सिद्धांत था लहर सिद्धांत। लहर सिद्धांत का मतलब होता है वेव थ्योरी जिसको बोलते हैं। वेव थ्योरी में ना ये कहता है लहर सिद्धांत में कि
कि जब रेलगाड़ी खड़ी होती है तो पहिए के भार के कारण रेल की कुछ सतह नीचे धस दब जाती है। जब कमी रेलगाड़ी चलती है ना, देखना जहां पर पहिया रहता है ना, स्लीपर दबता है उठता है। कमी रेलगाड़ी को नजदीक चलता देखो ना, तो ऐसे ऐसे स्लीपर ऊपर नीचे होते हैं, जहां चलता है वो रास्ता ही ऊपर नीचे होता है। जब रेलगाड़ी खड़ी होती तो पहिए के भार के कारण रेलगाड़ी कुछ सतह नीचे दब जाती है तथा पहिए के आगे रेल सतह थोड़ी ऊपर उठ जाती है। जब रेलगाड़ी चलना शुरू करती है तो यह धसान यानी डिप्रेशन या लहर भी पहिए के साथ चलती है। अब बताओ ये पहिया यहाँ पे दबा हुआ था, फिर आगे चलेगा तो पहिया दबेगा फिर उठेगा, ये उठान दबाव के कारण ये ऐसे ऐसे बना देता है रास्ता। और इसी की वजह से क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा सीन है, और जब जब पहिया चलेगा तो अगले को दबाएगा फिर दबाएगा, इसकी वजह से क्या होता है ये वेव आगे बढ़ने लगती है। जो ये वेव बनी है ना, ये वेव आगे चलती है, और जब वेव जिस दिशा में जाती है उस दिशा में पटरी को क्या करती है, खिसका देती है। इस थ्योरी को, इस मान्यता को, यानी इस वजह को वेव थ्योरी कहा गया, यानी लहर सिद्धांत किया गया। दूसरा आघात सिद्धांत यानी परकुशन थ्योरी है। परकुशन थ्योरी, देखो थ्योरी का मतलब होता है किसी चीज के पीछे की दो लोगों ने दो अपने अपने तरीके से वजहें बताई और दोनों ही वजह ठीक पाई गई, हो सकता है दोनों। एक तो वेव थ्योरी कहती है कि वेव बन जाती है और वेव आगे बढ़ती है तो पटरी भी खिसक जाती है। दूसरा कहता है कि जब पहिया जोड़ पार करके अगली रेल के सिरे को टक्कर मारता है, मतलब जैसे मान लीजिए ये पहिया चल रहा था, ठीक है ना, और एक रेल जो थी ऐसे इस पर ये चल रहा था एक रेल पे, और यहीं पर एक जोड़ है और दूसरा रेल ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ रहता है। जब ये रेल इस पर चलते चलते, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे रेल भाग रही है इधर, एक पहिया ऐसे गया तो देखो जिस पर पहिया पड़ा है वो अक्सर नीचे दबेगा और तब तक तो ये उठा रहेगा, और जैसे ही इस तक यहाँ पे पहिया पहुंचता है इस जगह पे तो ये बताओ इसको ठक से मारेगा कि नहीं ठक। तो इसको परकुशन थ्योरी कहते हैं, यानी इसको धक्का थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना, आघात सिद्धांत कहते हैं। तो फिश बोल्टों के ढीला होने पर, मिट्टी की पैकिंग सही न होने पर, अथवा प्रसार जोड़ के अत्यधिक चौड़ा होने पर यह क्रिया अधिक तीव्र गति की होती है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, इनको ठीक करने का उपाय है कि जिस पर पहिया पड़ा है और जिस पर नहीं भी पड़ा है उनका लेवल एक समान रहे, लेवल जहां गड़बड़ होगा तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हुआ आपका ये। अब एक चीज और हमसे क्वेश्चन पूछा, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, बायोथान न्यूनता यानी कैंट डिफिशियंसी क्या होती है। पहले तो ये जान लो कैंट क्या होता है, तब तो जान लो कैंट डिफिशियंसी क्या होती है। कैंट यानी रेलवे में जिसको बोलते हैं बायोथान, बायोथान का मतलब अगर कोई रेलगाड़ी इस टाइप से ऐसे घूम रही है, तो आपको मालूम होगा जब रेलगाड़ी इस ट्रैक पे ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो उस स्थिति में ये सिरा उठाया जाता है और इस सिरे को दबाया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इस कर्व पर बाहरी सिरे को उठाना। देखो सर्वे सेकंड अगर तुम लोग पढ़े होगे हमसे, तो कर्व मैंने इसके बारे में बताया ना कि ट्रांजिशन कर्व बनाते समय मैंने बायोत्थान को ठीक से बताया, यानी ये एक सिरा, हाईवे में भी पढ़े हुए इसके बारे में तुम लोग, एक सिरा को उठाना कहलाता है बायोत्थान यानी सुपर एलिवेशन दिए तुम्हें। तो बायोत्थान देने से भाई करो पे तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कई बार बायोत्थान को कम करना पड़ता है, बात समझ आ रही है। तो देखो इसका वजह क्या है, बायोत्थान कैंट डिफिशियंसी करा है। बायोत्थान में उपरोक्त सूत्र में, उपरोक्त सूत्र यहाँ पर दिया गया होगा, गाड़ी की चाल पर विचार किया गया है, यानी हम लोग बायोत्थान के बारे में भी कहें, ये काट दो ये लाइन, उपरोक्त सूत्र क्या होता है, ई बराबर होता है जी भी स्क्वायर बाई 127 आर। इस सूत्र में जो है गाड़ी की गति पर ध्यान दिया गया है, हम तीव्र गति से चलने वाली गाड़ियों के लिए बायोत्थान निर्धारित करते हैं, उस पर माल गाड़ियों गुड्स ट्रेन को चलने में कठिनाई आती है। देखो जितने के लिए कोई ट्रेन डिजाइन हुई है उससे कम गति से चलेगा तो कठिनाई होगी, और इसके विपरीत यदि माल गाड़ियों की चाल को दृष्टि में रखकर बायोत्थान दिया जाता है तो तीव्र गति से चलने वाली गाड़ियों को वक्र पर निकलते समय परेशानी होती है। इस तथ्य को देखते हुए दोनों प्रकार की गाड़ियों की औसत चाल के लिए बायोत्थान दिया जाता है। जब बायोत्थान गाड़ी के चाल के अनुसार दिया जाता है तो इसे इक्विलिब्रियम कैंट कहते हैं, यानी संतुलित। देखो कैंट को संतुलित तब कहते हैं जब ये जितना गति की जरूरत है उस गति के लिए दिया जाए। उपरोक्त कथन के अनुसार पटरी को संतुलित बायोत्थान से कुछ कम बायोत्थान दिया जाता है, इस कमी को बायोत्थान अल्पता या कैंट डिफिशियंसी कहते हैं, ठीक है ना। इस न्यूनता के कारण धीमी चाल से गाड़ी भी सरलता से वक्र को पार कर लेती है। भारतीय रेलों पर निम्नलिखित न्यूनता दी जाती है, बड़ी लाइन पर, ये सब ये आपको तुमको नहीं लिखने की जरूरत है, डेटा इतना कहाँ से याद करोगे, इसको तुम इग्नोर करना, बस इतना जान लेना कि हम लोग
खूब तेजी से गाड़ी घुमाना चाहते हैं तो रोड को एकदम ऐसे लेटा दिए हैं, एकदम फोर व्हीलर ले जाकर इसे मुड़ा दिए, शाम से मौत का कुआं बना दिए। अब बैलगाड़ी वाला क्या करेगा जिसकी गति ही नहीं है? इसलिए कभी भी हाईएस्ट वेलोसिटी के लिए नहीं देना चाहिए, थोड़ा लोग एडजस्ट करके चलें, जो कम गति वाले हैं वो भी क्या करें, चल सकें। इसलिए रेलवे में भी ये चीज़ है, तेज गति की ट्रेनों में ये दिक्कत, ठीक है ना। रेलवे ट्रैक में बायोत्थान की आवश्यकता और सीमांत मान पर टिप्पणी लिखिए। देखिए रेलवे में बायोत्थान का सीमांत मान G/10 होता है, इससे अधिक कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए। बायोत्थान यानी गेज है, जी फॉर गेज, गेज के एक दस, जैसे गेज 1676 मिलीमीटर का है और बटा 10 करोगे तो 167 मिलीमीटर, यानी 16.7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं उठा सकते हो तुम किसको, बाहरी सिरे को। ये मैक्सिमम वैल्यू है, सीमांत मान है, ठीक है ना। और न्यूनतम 0 मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं उठा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक बायोथान की क्या आवश्यकता है बताइए। आवश्यकता क्या है? वक्र पर अपकेंद्री बल के प्रभाव को स्थिर करने के लिए, गाड़ी बाहर की ओर ना पलटे, अपकेंद्री बल जो लगा उसके प्रभाव को हटाने के लिए, वक्र पर गाड़ी को पटरी से उतर जाने से रोकने के लिए, वक्र पर गाड़ी को समान गति से पास कराने के लिए, रेलों के पार से घिसने से रोकने के लिए, रेल का विसर्पण रोकने के लिए, दोनों रेलों पर गाड़ी के भार को समान रूप से वितरित करने के लिए। असल में जब कर्व पर घूमता है ना तो एक पटरी पर ज्यादा भार आने लगता है, दूसरी पटरी पर कम। तो ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से यात्रियों की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए। अब सीमांत मान की बात करें तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, भारतीय रेलों के लिए बायोत्थान की अधिकतम सीमा पटरी के गेज की 1/10, मैंने G/10 लिखा था, 1/10 रखी गई है। इसके अनुसार विभिन्न गेजों के लिए बायोत्थान का मान निम्नलिखित है, जैसे बड़ी गेज है तो 16.76/10 किया ना, 1/10 ये सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में होता तो पॉइंट यहाँ होता। छोटी लाइन के लिए 10.16 और संकरी लाइन के लिए इतना, ठीक है ना। ये यहाँ पर 0.0 लेना तुम, 10 सेंटीमीटर गलत है। उच्च गति वाले ट्रैक के लिए अधिकतम बायोत्थान के मान, मतलब जहां पे गति बहुत तेज रखती है वहां पे अधिकतम बायोत्थान इतना और इतना रखा जा सकता है। जब गति बढ़ती है तो बायोत्थान का मान क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ई बराबर G V² / 120 से बना, यानी भी ज्यादा हो तो जी क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें इससे ज्यादा ना रखिए आप, ठीक है ना, इससे ज्यादा ना रखिए, ठीक है। अब अगला हमारा चैप्टर है रेल बंधक, यानी रेल की फास्टनिंग, यानी रेल को पटरी से जोड़ने की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको रेल फास्टनिंग कहते हैं। फास्टनिंग मतलब वो व्यवस्थाएं, फास्टनिंग मतलब वो व्यवस्थाएं जिनका यूज करके हम लोग रेलों को आपस में जोड़ करके तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या होती हैं जरा देख लेना इनको। रेल जोड़ से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखो ये क्वेश्चन को तुम खूब समझ लो अच्छे तरीके से, रेल पटरी जो बनती है वो कितने मीटर के बनती है, तो तुम जानते होगे 12.89 मीटर की एक पटरी होती है रेल की, या लोग जनरली इसको 13 मीटर भी बोल देते हैं, बड़ी लाइन की एक पटरी 13 मीटर की बनाई जाती है। अब एक पटरी रेल तो 13 मीटर के आगे फिर बनेगी, तो कई पटरियों को आपस में जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन्हीं जोड़ों को बोला है कि कितने प्रकार के जोड़ों होते हैं उनको बताइए, ठीक है ना। और रेल को जोड़ने के लिए आप जिन चीजों का यूज करेंगे उनको बंधक कहते हैं, उसमें फिश प्लेट है, फिश बोल्ट है इत्यादि। अब जैसे एक रेल मान लो, ऐसे मैं अगर बोलूं कि मान लो ये एक रेल है, ध्यान समझना, ये एक रेल है, ठीक है ना, और ये ऐसे आगे गई यहाँ पे, ठीक है, ये एक रेल है और ये आगे यहाँ पे गई, तो आप यहाँ पे समझिएगा जरा, कुछ ऐसा हिसाब किताब, कुछ ऐसा हिसाब किताब है, ठीक है ना, इस टाइप से। और दूसरी रेल मान लो यहीं पर तुम दूसरा फिर से खड़ा किए, और यहीं पर ये भी, इसको भी तुम आगे जोड़ करके ऐसे कंटिन्यू करना चाहते हो, पटरी को तुम ऐसे जोड़ करके कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे दूसरी रेल यहां पे आके जुड़ी है बीच में। तो जब दोनों रेलें जुड़ी यहां पर आकर के इस जगह पे, तो इन पर इनको आपस में कैसे जोड़ा जाएगा, तो एक प्लेट ऐसे लगती है इसके फ्लैन में, एक प्लेट ऐसे लगती है, देखो मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, दो स्क्रू यहाँ पे, दो स्क्रू यहाँ पे, तो ये जो प्लेट इनको जोड़ी जाती है ना, इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं क्या, फेस प्लेट, फेस प्लेट। और ये जो स्क्रू लगते हैं दोनों तरफ, इनकी न्यूनतम संख्या दो दो होती, कई बार तीन तीन चार चार भी लगाए जाते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं फेस बोल्ट, फेस बोल्ट। ये सब जोड़ में व्यवस्थाएं होती हैं,
अब मान लो तुम फिश बोल्ट से जोड़ रहे हो या फिश प्लेट से जोड़ रहे हो तो ठीक है। तो ये ऐसी जगह पर यूज करते हैं जहां बार बार क्या होता है, जहां बार बार बदलना पड़ता है रेलों को। अब खोल के इनको फिर एक मान लो ये रेल खराब हुई तो इसको खोल के ये रेल निकाल दो। लेकिन कई पर जहां पर LWR या CWR होते हैं, लॉन्ग वेल्डेड रेल या कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल, वहां रेलों को सीधे आपस में वेल्डिंग कर दी जाती है। वेल्डिंग करने का एक नुकसान है ना कि एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं मिल पाता है, रेलें फैलती हैं। जैसे ये रेल अगर फैली गर्मी पा करके तो यहाँ गैप रहता है, उसी गैप में मेंटेन हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है तो एक्सपेंशन ज्वाइंट मेंटेन करने के लिए कुछ ज्यादा दूरी के बाद गैप देना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हिसाब था। ये जब जोड़ दिए जाते हैं तो वो जोड़ कितने टाइप के हो सकते हैं उसी की बात कर रहा है। तो पहली बात, अगर जोड़ों के प्रकार की बात करें ना, तो जोड़ों को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। उसमें पहला क्लासिफिकेशन जो जोड़ का किया गया वो है स्थिति के अनुसार। या तो जोड़ आमने सामने हो या फिर बिखरे हुए या खंडित हो। यानी पहला क्लासिफिकेशन हुआ लोकेशन के अंदर, जैसे एक पटरी थी फिर दूसरी आई फिर तीसरी आई, तो फिर भैया ठीक है ये आमने सामने नहीं जोड़ पड़ रहे हैं दोनों पटरियों के। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जोड़ कैसे हो, ऐसे अक्सर सीधी लाइन पे तो ऐसा हो जाता है, लेकिन कर्व पे जब जाएंगे, देखो कर्व पर ऐसा होता है कि नीचे वाली लाइन थोड़ा सा क्या होती है कम, मतलब ये लंबाई लोगे तो इधर उतना नहीं घूम पाएगा। तो इसमें जोड़ क्या होते हैं, अक्सर आगे पीछे हो जाते हैं। कर्व पे जोड़ आगे पीछे होते हैं जबकि सीधी लाइन पे अक्सर आमने सामने पड़ जाते हैं। तो स्थिति के अनुसार या तो आमने सामने जिसको स्क्वायर और इवन रोल ज्वाइंट, या स्टैगर्ड मतलब इधर वाला जोड़ इसके ठीक सामने ना हो कहीं आगे हो, ऐसे इस टाइप से इनको बोलते हैं आमने सामने, इसको स्टैगर्ड बोलते हैं। और सपोर्ट के आधार पे दो तरीके का लिखा है यहाँ पे, सपोर्ट के आधार पे या सपोर्टेड होगा या सस्पेंडेड होगा। जैसे अगर एक पटरी यहाँ से आई दूसरी पटरी, ये प्लान नहीं एलिवेशन है, ये एलिवेशन है सामने से देख रहे हैं, तो अगर तुम इसके नीचे ही स्लीपर एक लगा दिए, एक रेल दूसरी रेल नीचे स्लीपर है, तो इसको कहते हैं ये आलंबित है यानी सपोर्टेड है। लेकिन क्या होगा अगर यही स्लीपर, क्या होगा अगर यही स्लीपर एक यहाँ हो एक यहाँ हो, तो इसको कहते हैं हम लोग निलंबित यानी सस्पेंडेड है। पहला वाला सपोर्टेड था, दूसरा वाला सस्पेंडेड है। तो ये था जोड़ों के प्रकार, क्वेश्चन जो पूछा था देख लीजिए, रेल जोड़ों के प्रकार समझाना था। यानी यहाँ पर पूरा बताया गया है कि रेल जोड़ से आप क्या समझते हैं। तो रेल जोड़ क्या हुई, अधिक लंबी रेलें बनाने में पर्याप्त कठिनाई पड़ती तथा इनका परिमाण, बहुत लंबा रेल नहीं बना सकते तो जोड़ देना पड़ेगा, तो जोड़ क्या वो समझा दिया। फिर जोड़ के प्रकार को भी यहाँ समझा दिया दो प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन बोला विभिन्न प्रकार के रेल स्थायक या बंधक क्या है, रेलवे को बांधने में किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं उनको बंधक कहते हैं। ठीक है ना, और बंधक के रूप में आप एक चीज जान लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। बंधक के रूप में आपके सामने क्या है भाई, बंधक क्या होते हैं, रेल पटरी की आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए, रेलों को जोड़ जोड़ के पूरा पटरी, कई किलोमीटर की पटरी जिस पर रेल दौड़ती है वो बनाने के लिए रेलों को सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। दो समांतर रेलों को उचित गेज में बनाए रखने के लिए इन्हें स्लीपरों पर जकड़ा जाता है। इस कार्य के लिए पटरी पर जो आसंजक यानी जो बांधने वाली चीजें तथा फिटिंग आदि प्रयोग की जाती है उन्हें रेल बंधक यानी रेल फास्टनिंग कहते हैं। ये फास्टनिंग किन प्रकार के हो सकते हैं, तो देखो फास्टनिंग कई तरीके से, जैसे रेल सिरों को आपस में जोड़ा एक रेल दूसरी रेल से, तब कौन कौन सी फास्टनिंग लगेगी, तो उस समय फास्टनिंग लगेगी फिश प्लेट और फिश बोल्ट। हम दोनों समझा चुके हैं कि फिश प्लेट और फिश बोल्ट क्या होता है। अब रेल स्लीपरों पर जोड़ने के लिए, मतलब ये तो रेल से रेल जुड़ा ना, और रेल को स्लीपर पर भी तो जोड़ा जाता है, तो उसके लिए चेयर होगा और उसके साथ साथ चेयर होगा उसके साथ चाबी होगी, फिर धारक प्लेट होगी, रेल की कीलें होंगी। अब ये सब वो चीजें हैं जिनके बारे में तुम अच्छे तरीके से, या बोल्ट्स होंगे यानी स्लीपर, कभी ऐसे देखे होंगे कि ऐसे एक स्लीपर हुआ दूसरा स्लीपर, पटरी इस पर जब ऐसे लगती है ऐसे, ये है पटरी, तो पटरी का फुट जो होता है वो इसमें जाके स्लीपर में क्या रहता है, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे स्लीपर में कसा जाता है और इसके नीचे एक बियरिंग प्लेट लगाई गई रहती है। तो ये सब उसके पार्ट्स हैं। कुर्सी कई बार फ्लैट फुटेड नहीं है तो एक चेयर भी बना रहता है। चाबी मतलब इसको एक घुमा हुआ रहता है कि उसको उसके अंदर धंसाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, पहला आमने सामने जोड़ने के लिए तो फिश पोर्ट फिश प्लेट, लेकिन स्लीपरों से रेल को स्लीपरों से जोड़ने के लिए कुर्सी यानी चेयर जिस पर रखा जाता है इसको, आज कुर्सी हो ये जरूरी नहीं, फ्लैट फुटेड में कुर्सी नहीं भी होती है। चाबी यानी कीज होते हैं जो कनेक्ट कराते हैं इनको, धारक प्लेट इसके नीचे प्लेट लग सकती है,
रेल के किले, डॉग स्पाइक वगैरह का नाम सुने, कुत्ता कील वगैरह का नाम आप सुने होंगे। फिर कुछ बोल्ड्स का प्रयोग, जरूरी नहीं कि ये पांचों हो सकता है कहीं पर दो ही से काम हो जाए, तीन ही से काम हो जाए। तो जहां पर कि ये नहीं होती है चेयर, वहां बियरिंग प्लेट होती है, तो ये सब चीजें। फिर यहां पर दिवल दिया है रेल का विसर्पण रोकने के लिए। विसर्पण का मतलब भाई ये फास्टनिंग किसके लिए थी, फास्टनिंग थी पहला रेल को रेल से जोड़ने के लिए, दूसरा हुआ रेल को स्लीपर से जोड़ दिया, उनके अभिसर्पण को रोकना हो, जो आगे पीछे में खिसक जा रहे थे उनको रोकने के लिए कुछ, उनको रोकने के लिए कुछ एंकर या एंटी क्रीपर लगाए जाते हैं। और इनका वर्णन किया गया है, लेकिन आपको आपको देखना नहीं है वर्णन, हल्का फुल्का जो आप जानते हो वो लिखने का प्रयास करिए। यहाँ पर लिख के राम कहानी नहीं समझनी है, आप इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। अब यहाँ पे बोला कि बोल्ट में कई बार स्लीपरों को बियरिंग प्लेट से कनेक्ट करके बोल्ट के थ्रू स्लीपर में कनेक्ट किया जाता है, तो यही सब चीजें आप जो जानते हैं वो आपको लिखना है। यानी फास्टनिंग कितने टाइप की होती है, नाम याद रखना है उसके बारे में, तो तुम बना के लिख ही लो, ठीक है ना। तो ये यहां से कहानी खत्म होती है। अब आगे क्वेश्चन पूछा, स्लीपर को समझाते हुए इसके कार्य की विवेचना कीजिए, ये भी रेलवे के पार्ट है स्लीपर। अब स्लीपर को समझाते हुए देखते हैं कार की विवेचना कैसे होगी। भाई आइए देखा जाए स्लीपर क्या होते हैं, जानते हैं आप क्या ये सब चीजें आप नहीं जानते हैं, जानते हैं तो इनको जानिए। और कुछ चीजें टेक्निकली देखो, क्लास में बने रहो, टेक्निकली कुछ चीजों को जानते हुए लास्ट में पीडीएफ का रिविजन करना है तुमको, ठीक है। स्लीपर क्या है समझ चुके हैं, अब क्या पूछा हम लोगों से कि इसके कार्यों की विवेचना भी हमको करनी है, ठीक है ना। पहली बात, रेल पथ की दोनों समांतर रेलों के नीचे इनके आड़ी मतलब लंब दिशा में, अरे भाई ये हैं तो इनका लंब ये हुआ, ये रेलें चल रही हैं इनके लंब दिशा में, आधार प्रदान करने तथा उन्हें स्थिर करने के लिए जो पट अवयव लगाए जाते हैं उन्हें स्लीपर कहते हैं। भैया इतना स्लीपर की परिभाषा है, जानते थे लेकिन लिखना कैसे, स्लीपर किसको कहते हैं, रेलों की लंब दिशा में जो समतल आधार प्रदान किए जाते हैं उन्हें स्लीपर कहते हैं। लिखने का तरीका जानते तो थे ही, लेकिन कैसे लिखते कि स्लीपर का, ये लकड़ी इस्पात ढलवा लोहे अथवा कंक्रीट के बने हो सकते हैं। स्लीपर रेल पथ के मुख्य घटक होते हैं और ट्रैक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनका अपने निर्धारित दूरी पर बने रहना अति आवश्यक होता है, ठीक है ना। स्लीपर के क्या फंक्शन है, हमसे क्या पूछा था, इसके कार्य यानी इसके फंक्शन को भी समझना है कि क्या ये करता है स्लीपर। तो एक एक इसके फंक्शन को हम लोग देख लें जरा। यह रेल को एक समतल तथा ठोस आधार, ठीक है, रेल पर आने वाले भार को नीचे गिट्टी तथा निर्माण स्तर पर अंतरित करना, लोड को नीचे गिट्टी पर ट्रांसफर, रेल पथ की दोनों रेलों को समान दूरी पर बनाए रखता है, गेज सही रहता है, यह रेल और गिट्टी के मध्य प्रत्यास्थ माध्यम के रूप में, इलास्टिक कुशन के रूप में और गाड़ी के झटकों और आघातों को सहन करता है। जानते हैं यदि पक्का प्लेटफॉर्म रहता तो गाड़ी ज्यादा झटका खाती, फिर सॉकर वॉकर बहुत अच्छा बनाना पड़ता गाड़ी का, ट्रैक बहुत झटका खाता, तो इसलिए गिट्टी के ऊपर स्लीपर ये सब झटके को क्या करता है, बर्दाश्त कर लेता है। रेल के शीर्ष को पहिए के सांत्विकरण के अनुसार ढालू स्थिति में बनाए रखना। एक चीज मैंने बताया आपको, जब कोनिंग की जाती है ना, मान लो हमने पहिए को तो ऐसे घुमा दिया, लेकिन फिर जो रेलवे की ये लाइन है ना, लाइन भी हल्की से झुकी रहती है, क्यों, जब वो स्लीपर पर रखा जाता है ना पूरा, तो स्लीपर में थोड़े खांचे कटे होते हैं, और वो खांचे पर जब रखा जाता है पटरी को, तो पटरी जैसे स्लीपर ये है, खांचे पर ऐसे रखा जाता है पटरी के जो रेल है ना वो भी हल्की से झुक जाती है, क्योंकि स्लीपरों में खांचा बना रहता है, ये झुका रहता है और पहिए भी झुके रहते हैं अंदर की तरफ, समझ में आ रही बात। रेल पथ को स्थिरता प्रदान करता है और उसको ढालू स्थिति में बनाए रखता है। ये थे स्लीपर के कार्य। अब क्वेश्चन पूछा कि स्लीपर के प्रकारों को बताते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए। स्लीपर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे, लेकिन उनमें से किसी एक प्रकार का वर्णन कीजिए। देखो एक तो कोई कर लो तुम, लेकिन कहीं नाम देके पूछा तो तुमको उसके बारे में जो आता हो सब लिख डालना, ठीक है ना। स्लीपर के प्रकार के बात यदि हम लोग बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लकड़ी के, स्टील के, ढलवा लोहे के माने कास्ट आयरन के, कंक्रीट के, और सबसे लेटेस्ट जो स्लीपर है जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। अब प्री स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखो बोला किसी एक के बारे में बताने, मैं लकड़ी वाले को इसमें दे दिया हूँ वुडन स्लीपर के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर इसका आया तो प्री स्ट्रेस का भी लिख देना। प्री स्ट्रेस में क्या होता है, यह पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के बने हुए स्लीपर होते हैं, क्योंकि सामान्य कंक्रीट के स्लीपर झटके को नहीं बर्दाश्त कर पाती है, क्योंकि अगर रेल चलती है तो इस पर कई बार इंपैक्ट लोड लगता है और जगह जगह तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में हम लोग आरसीसी में तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा
पूर्व प्रबलित कंक्रीट में हम लोग कंक्रीट के अंदर लोहे की ये जो स्टील की टेंडन्स होती हैं उनमें पहले से ही प्रतिबल उत्पन्न करा देते हैं और ये स्लीपर में पहले ही कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट कर देते हैं। ऐसे स्लीपर आघात और झटकों को सहने में अन्य कंक्रीट सामान्य कंक्रीट के स्लीपर की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये जो मैंने बोला ना कम से कम 5-6 लाइन है, यकीन करो तुम मेरा, ठीक है ना। ये आजकल ये काफी भारी होते हैं और आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में यही स्लीपर है, क्योंकि ये अब और दो चार लाइन ये पानी से सड़ते नहीं है, क्योंकि लोहे और लकड़ी में पानी में सड़न एक चक्कर हो सकती है, सड़ते नहीं है। हालांकि इनका स्क्रैप वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो इनके चोरी होने का भी कोई खतरा नहीं होता। लकड़ी लोहे का होता था ना तो लोग चोरी कर ले जाते थे, रेलवे में जो कर्मचारी काम करते थे, मैं ये नहीं रेलवे को नुकसान नहीं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट लोग क्या करते थे, थोड़ा सा खराब हुआ पूरा लकड़ी निकलवा निकलवा के घर का पूरा फर्नीचर बन जाता था। लेकिन अब कंक्रीट का क्या ही कर लोगे तुम, तो सरकार का नुकसान होने से बचाते हैं। तो ये सब इनके बारे में, चलो इनके एक के बारे में बता दिया और एक के बारे में मैं यहीं पर यहां पर लिखवा दिया हूं कि लकड़ी के स्लीपर आयताकार परिच्छेद के होते हैं। स्लीपरों के लिए साल, टीक, चीड़, देवदार, काष्ठ की प्रयोग किया था। यह पेड़ भारतवर्ष में बहुत आयत मिलते हैं। पहले लकड़ी का स्लीपर, अब पेड़ों की कमी होने की वजह से दोस्त ये लकड़ी के स्लीपरों में लगातार क्या हुआ है, गड़बड़ हो चुका है। इसलिए ये सब ध्यान रखना इसका, इस मतलब आपका क्रियोसोटिंग वगैरह करते हैं, ये सब बिल्डिंग मटेरियल में मैंने पढ़ा रखा है फर्स्ट ईयर में भी, कि लकड़ी जो होती है उसका सीजनिंग अच्छे से करते हैं। और क्रियोसोटिंग का मतलब होता है स्लीपरों में एक विशेष तरह का क्रियोसोट ऑयल होता है, उस ऑयल को ना गर्म करके उसकी भाप को स्लीपरों के अंदर डाल दिया जाता है ताकि इसके अंदर कीट वगैरह ना लगे और इसकी एज जो है काफी ज्यादा बढ़ जाए, जितनी एज हो उससे ज्यादा इसकी हो जाए। लकड़ी का स्लीपर की एज जो है वो 10 से 15 साल तक ली जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर बोल दिया हमसे क्वेश्चन बना के कि कंक्रीट के स्लीपरों के गुण और दोष की विवेचना कीजिए। तो ये बताओ कंक्रीट के स्लीपर का कुछ गुण तो मैंने अभी तुमको बताया, केवल कंक्रीट बोला है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट नहीं बोला है। चलो कंक्रीट के स्लीपर के गुण दोष जानते रहोगे ना तो कंक्रीट के स्लीपर में लिख भी लोगे, प्रॉपर्टी कहो या गुण या दोष कहो। गुण, धूप, वर्षा, वायु, सीलन, साल्ट वोल्ट रहे, सड़ते गलते नहीं है, कीटों से बचे रहते हैं, कंक्रीट स्लीपर को आग नहीं लगती, आयु 40 से 60 वर्ष, पर्याप्त भारी होने के कारण रेल पथ को अधिक सामर्थ्य मिलती है, रेल का भी सब काफी भारी स्लीपर होते हैं, हिलते नहीं अपनी जगह से, तो फिर विसर्पण भी नहीं होगा, रेल परिपथ के लिए उत्तम रहते हैं, इंजन ड्राइवर को रेल पथ पर आई रुकावट पहुंचाने में सुगमता रहती क्योंकि दूर से दिख जाते हैं, अनुरक्षण सरल तथा सस्ता है। ये सब तो फायदे हुए, दोष क्या है, लकड़ी के स्लीपरों से भारी होते हैं तो भैया लगाने में ही खटिया खड़ी हो जाती है, परिवहन तथा स्थापना में कठिनाई आती है, असावधानी के कारण ये चटक के टूट भी जाते हैं, रेल से फिट करने के लिए प्लग तथा पैडों की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्ट ड्रिल कर देते थे लकड़ी में, इसमें प्लग व्लग सब लगाना पड़ता है, गिट्टी पैक करते समय कंक्रीट स्लीपरों किनारे झड़ जाते हैं, यानी गिट्टी की पैकिंग वगैरह कर रहे हो तो ये कटते हैं गिट्टी से टकरा टकरा के, उसके बाद दरार खाने अथवा टूट जाने पर बेकार, लकड़ी का है तो कोई और यूज हो जाएगा लेकिन ये टूटा तो पूरा वेस्ट। इनको पुलों, काटों, क्रॉसिंग पर प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां भार बहुत ज्यादा ये बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा भारी होते हैं, तो इसलिए वहां लोहे के स्लीपर, जहां कहीं पर ब्रिज वगैरह जहां ट्रेन गुजरती वहां कभी भी कंक्रीट के स्लीपर यूज नहीं किए जाते हैं। इनका रद्दी मूल, स्क्रैप वैल्यू नहीं होता, यानी एक बार टूटे तो फिर इनका कोई यूज नहीं होता, वेस्ट पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये स्लीपर के बारे में था, अब अगली चीज हमारी आ जाती है गिट्टी के बारे में, और गिट्टी से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन कि रेल पथ पर गिट्टी को समझाते हुए उसके प्रकारों, यहाँ प्रकारों नहीं है, प्रकार मतलब होता है फंक्शन, उसका कार्य, प्रकार मतलब होता है टाइप और प्रकार मतलब होता है फंक्शन, उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए, फंक्शन भी बताना है और क्या होता है गिट्टी के अंदर। तो मैंने अभी बताया कि स्लीपर के नीचे गिट्टी ने एक बेड का काम करती है, फॉर्मेशन लेवल के ऊपर गिट्टी, गिट्टी के ऊपर स्लीपर तथा स्लीपर के ऊपर रेलें फिट की जाती हैं, गिट्टी रेल पथ में कुशन, मैंने कुशन आपको लिख के दिखाया था उसमें CUSHION, कुशन मतलब बेड का कार्य करती है और स्लीपरों पर आने वाले भार को नीचे निर्माण स्तर पर अंतरित करती है। गिट्टी पत्थर के भाटों, ईंटों को तोड़कर बनाई जाती है, गिट्टी जो होता है पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ईंटें हैं तोड़ के बनाई जाती हैं, सिंगल, कंकर, बालू भी गिट्टी के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, स्लीपरों के नीचे ठोक कर गिट्टी भरने को पैकिंग। एक चीज जान लीजिएगा, ये स्लीपर है, इसके ऊपर रेल है, इसके नीचे यदि आप गिट्टी भर रहे हैं ऐसे तो इसको बोलते हैं पैकिंग, तो क्या बोलते हैं पैकिंग, और इसके अगल बगल में गिट्टी जब भरते हैं तो इसको बोलते हैं बॉक्सिंग। ये टेक्निकल टर्म है, याद करेंगे तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, ठीक है ना। गिट्टी के क्या फंक्शन है बताइए, स्लीपरों को एक समतल प्रत्यास्थ आधार, इलास्टिक बेड प्रोवाइड करती है,
रेलों को निर्धारित तल पर बनाए रखने में चारों तरफ से गिट्टी रहती है तो स्लीपर हिल नहीं पाते। स्लीपरों पर आने वाले भार को सबग्रेड के अधिक क्षेत्रफल पर अंतरित करती है। एक अच्छे कुशन का कार्य करते हुए गाड़ी के झटकों तथा कंपन को सहन कर लेती है। गिट्टी झटके झेल जाती है पूरा। स्लीपरों को सही स्थिति में बनाए रखती है और गाड़ी निकलते समय इनको उधर उधर सरकने नहीं देती। जल निकासी का उत्तम मत जानते हैं, अगर गिट्टी नहीं रहती मिट्टी रहता, मिट्टी के ऊपर रेल रहती, सपोज करिए स्लीपर रहता, जब बारिश होती ना तो वहीं पानी लग जाता, लेकिन गिट्टी पर बारिश होती है तो तुरंत उसमें से पानी बह करके निकल जाता है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है। ट्रैक पर खरपतवार आदि पैदा होने से रोकता है और रेल पथ के तल तथा संरेखण को सही करने में सरलता रहती है। गिट्टी भी खत्म। अब क्रॉसिंग एवं सिग्नलिंग आ गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉइंट और क्रॉसिंग वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, ठीक है। क्या है ये पॉइंट और क्रॉसिंग? तो आप जानते हैं, आप जान लीजिए क्रॉसिंग के बारे में कि जब कभी रेल सीधे जा रही थी तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था। जब भी रेल को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाना हो तो ध्यान रखिएगा, देखो यहां से मुड़ना शुरू हुई, यहां से मुड़ना शुरू हुई ये, और इस जगह से मुड़ाव शुरू हुआ तो इस पॉइंट को ही पॉइंट कहते हैं, पॉइंट। और देखो अगर देखें यहां से मुड़ना शुरू हुई तो भले ये वाला ट्रैक तो निकल गया लेकिन ये अभी भी इसी रेल पटरी पे है। अंतिम रूप से देखो रेल का पहिया यहां पे जाके क्रॉस कर गया है, क्योंकि देखो इधर वाला पहिया तो यहीं से छोड़ दिया था लेकिन यहां वाला पहिया अभी भी इस ट्रैक पे है, इस ट्रैक को फाइनल छोड़ दिया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट और क्रॉसिंग क्या होते हैं? ट्रैक जब बदलता है या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर रेलगाड़ी को पाथ को चेंज करने के लिए पॉइंट और क्रॉसिंग हमको बनाने पड़ते हैं। तो ये बेसिक था, अभी कितने टाइप के हो सकते हैं सब पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, कांटे एवं क्रॉसिंग की आवश्यकता पर टिप्पणी। अभी जो बताएं पॉइंट और क्रॉसिंग ना उसी को बोलते हैं कांटे और क्रॉसिंग। यहां बोला है क्या, आवश्यकता पर टिप्पणी नोट, यानी नेसेसिटी ऑफ क्रॉसिंग एंड पॉइंट। पॉइंट मतलब कांटा, क्रॉसिंग मतलब समझी गए क्रॉसिंग। तो कांटे का मतलब होता है पॉइंट, और पहला पॉइंट था आगे क्रॉसिंग था। रेलगाड़ी के पहिए को बोला है यहाँ पे, रेलगाड़ी के पहिए को भीतरी ओर फ्लैंज लगे रहते हैं, रेल पटरी से उतरने नहीं देते। मान लो देखो ट्रैक ऐसा था, तुमको ऐसे घुमाना था, बड़ा आसानी से घूम जाता लेकिन जानते ही अंदर फ्लैंज लगा रहता है, वो ऐसे रेलवे के अंदर भी नहीं देखे हो कि ऐसे चिप निकला हुआ था एक साइड, बताओ दूसरे ट्रैक पे कैसे घूमेगा। अगर सीधा रहता तब तो घूम जाता लेकिन फ्लैंज की वजह से वो घूम नहीं पाएगा, तो इस वजह से घुमाव पे बड़ी दिक्कत होती है। तो पॉइंट क्रॉसिंग उसी लिए जरूरी होते हैं। इसका डायग्राम बना के सेपरेट वीडियो जो है मैं फ्री किया हुआ था ताकि पॉइंट क्रॉसिंग को आप ठीक से समझ पाए, तो वो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी डिटेल वीडियो है फ्री कंटेंट के साथ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी मैंने पहले ही बताया कि हम लोग ज़्यादातर पेड क्लास रखते हैं, ये फ्री क्लास इसलिए दिए हैं कि जो बच्चे नहीं खरीद पाए पैसे की कमी से या किसी अन्य कारण से वो लोग इसको पढ़ लें, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को महत्व, जैसे कई बार हम लोग ना बहुत कुछ करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे खर्चे का अधिकतर हिस्सा इधर उधर जाता है। आपके आपके सेमेस्टर का अगर मैं बोलूं कि दिन का 2-3 रुपए दे करके आप पढ़ सकते हैं हमसे, दिन का 2-3 रुपए दे के पेड क्लास ले सकते हैं और नॉलेज मिलती है, नोट्स भी, हम लोग भी वर्क करते हैं तो अपना दिन और समय दे रहे हैं तो थोड़े पैसे तो हम लोग को भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। बहुत कम चार्ज में आपको अप्लीकेशन पर कोर्सेज मिल जाते हैं, आप ले लेंगे उनको यदि, तो भाई आप भी छुट्टी रहेंगे, शुरू से पढ़ाई करेंगे आप। अब ये कोर्स वर्ष बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, पास होने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक होता है लंबे समय तक चीज़ों को जानना समझना और बने रहना, ठीक है। तो पास तो तुम होगे बल्कि अच्छा नंबर भी लाओगे, हो सकता है तुम पेड़ वाले से अच्छा नंबर ला दो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा। कब? जब तुम जेई बनने जाओगे तब नुकसान करेगा, ठीक है। आओ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ट्रैक जो होता है उसमें मैंने डिटेल डायग्राम के साथ समझाया हुआ था, लेकिन जानिए कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट और क्रॉसिंग की आवश्यकता क्या है। सड़क पर चलने वाले वाहनों के पहियों पर फ्लैंज नहीं होता, तो हम लोग इसलिए सड़कों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। ध्यान रहे कि रेलगाड़ियों में मोटर वाहनों की भांति स्टेयरिंग की व्यवस्था नहीं होती, रेलगाड़ी में स्टेयरिंग नहीं होती, जिस पटरी से रेलगाड़ी के फ्लैंज सटे हुए चलते हैं उसी पर रेलगाड़ी घूम जाती है। दोहरे रेल मार्ग पर अथवा रेलवे स्टेशनों पर अनेक रेल ट्रैक डाले जाते हैं तो इसे पॉइंट और क्रॉसिंग डालने पड़ते हैं, रेल पटरी का अभिन्न अंग है।
एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर रेलगाड़ी को बदलने के लिए पॉइंट और क्रॉसिंग का निर्माण करना मस्ट। बात समझ रहे ना? तो फिर बोल दिया कि विभिन्न प्रकार के क्रॉसिंग का सचित्र वर्णन करिए। तो देखो सचित्र वर्णन करना है तो मैं पहले पॉइंट्स के नाम बता दे रहा हूँ कितने टाइप के हैं क्रॉसिंग, और सबका मैं हल्का फुल्का डायग्राम बता दे रहा हूँ। वर्णन करना है सबका, यानी क्वेश्चन तो बड़ा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल लंबा है तो कम से कम शब्दों में लिखना। पहला क्रॉसिंग होता है टर्नआउट। टर्नआउट क्या है? ये टर्नआउट, एक पटरी से दूसरे या दायां तरफ या बायां तरफ रेलगाड़ी को जब घूमना होता है तो जो क्रॉसिंग बनाई जाती है इसको बोलते हैं हम लोग टर्नआउट। डायग्राम केवल इतना ही बनाना, डिटेल डायग्राम में थक जाओगे बनाने में, इतने सारे को डिफाइन करना है। क्रॉस ओवर क्या होता है? जब दो पैरेलल पटरियों के बीच में क्या करना पड़े, रेलों को एक पटरी से दूसरे पटरी पर स्विच करना पड़े, तो इसको बोलिए, देखो टर्नआउट है, इसको अभी ये राइट हैंड टर्नआउट है, उधर घूमता तो लेफ्ट हैंड टर्नआउट हो जाता, ये है क्रॉस ओवर। ये पैरेलल दोनों पटरियां हैं, रेल इस पर भी जा सकती थी लेकिन इस पर से इस पर लाना हो तो इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। हीरक डायमंड क्या होता है, यानी डायमंड क्रॉसिंग किसको बोलते हैं? डायमंड क्रॉसिंग में दो एक रेल इधर जा रही हो और दूसरी रेल उसी पर से होकर इधर जा रही हो तो ये बीच में एक डायमंड जैसा शेप बनाती है, इसको बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग। समकोण क्रॉसिंग क्या होती है, या इसी को समकोण क्रॉसिंग को स्क्वायर भी बोलते हैं। दो पटरियां एक दूसरे को समकोण पर, एक रेल इधर एक रेल इधर काट जाती है, समकोण क्रॉसिंग है। फिर कैची क्रॉस ओवर आता है। कैची क्रॉस ओवर का मतलब होता है, कैची क्रॉस ओवर का मतलब होता है, कैची क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि आपका ये डायमंड जैसा ही भी दिखता है, कैची क्रॉस ओवर डायमंड जैसा ही ये भी दिखता है, अंतर क्या होता है उसमें डबल स्लिप और सिंगल स्लिप की व्यवस्था होती है। तो कैची क्रॉस ओवर यानी सीजर्स क्रॉसिंग भी डायमंड क्रॉसिंग की तरह ही आपको दिखता है, ऐसा ही शो होगा, बस इनकी बनावट में अंदर अंतर होता है। स्लिप क्रॉसिंग यानी स्लिप का मतलब होता है कि जैसे ये जा रहा था तो ये तो इधर ही जा रहा था और ऐसे जा रहा था, लेकिन अगर व्यवस्था ऐसी हो कि ये जो इस पर जा रहा था वो इधर भी घूम सके तो इसको बोलते हैं स्लिप क्रॉसिंग, और ये इधर वाला भी इधर घूम सके, यानी पटरियां ऐसे भी घूम जाएं तो इसको बोलते हैं स्लिप क्रॉसिंग। कई बार ऐसा होता है कि सिंगल स्लिप होता है इसी में, कई बार डबल स्लिप होता है। मतलब डायग्राम बनाएंगे तो आप केवल एक ही बनाइएगा, स्लिप क्रॉसिंग में एक पटरी इधर गई एक पटरी इधर गई, लेकिन रास्ता कैसे बना हम लोगों का यहाँ पे, रास्ता एक ऐसे है और एक इधर भी है, इसी तरह से ये सिंगल स्लिप हुआ। अगर डबल स्लिप रहेगा तो उधर से भी इधर इधर रहता है, इधर से भी इधर रहता है, तो इसको डबल स्लिप बोलते हैं। फिर उसके बाद सम स्प्लिट या थ्रू क्रॉसिंग, इसका मतलब होता है कई बार होता है कि एक पटरी ऐसे जा रही है इधर भी चला गया, इधर इधर भी एक पटरी गई है और इधर भी, यानी ये क्या हुआ, ये दो अलग अलग दिशाओं में बट गई, थ्रो क्रॉसिंग हो गई। तीन थ्रो का मतलब यह तीन हिस्सों में बटी हुई हो, एक सीधा भी चला गया हो और एक दाएं एक बाएं, यानी तीन थ्रो क्रॉसिंग हो गई। थ्रो मतलब आगे जाके थ्रो हो जा रही है। सीढ़ी या समूहन रेलपथ का मतलब होता है, ये सब डायग्राम मैंने हल्के हल्के बना दिए, यही सब डायग्राम, सचित्र वर्णन का मतलब डायग्राम ही मेन था। और ये जो लैडर होता है उसमें एक ट्रैक मेन होता है, कई इसको गैदरिंग लाइन भी बोलते हैं, इसमें कई रेलवे लाइन ऐसे आके क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से एक आगे फिर और जाके, यानी कई रेलवे लाइन आके जब इस पर गैदर होती हैं तो इसको समूहन रेलपथ या लैडर या गैदरिंग ट्रैक भी कहते हैं। गैदर मतलब इकट्ठा होना। तो ये सब मैंने सबका सचित्र बता दिया हल्की हल्की, और जो मैंने एक एक लाइन बोली है वो एक एक लाइन सबके बारे में आपको लिखनी है। तो यहाँ से होता है कहानी खत्म क्रॉसिंग का भी। अब आता है स्टेशन एवं यार्ड। स्टेशन और यार्ड क्या होता है? तो स्टेशन यार्ड में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे, रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टेशन के प्रकार हमसे बताया गया यहाँ, ठीक है ना? वैसे स्टेशन आप जानते हैं रेलवे स्टेशन किस लिए होता है, यात्री चढ़े उतरे, सामान चढ़े उतरे, इसीलिए स्टेशन बनाया जाता है। वो स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं अगर इस पर बात करें तो, पहला होता है वेसाइड स्टेशन, दूसरा होता है जंक्शन स्टेशन, तीसरा होता है टर्मिनल स्टेशन। वेसाइड स्टेशन मतलब एक नॉर्मल स्टेशन जहाँ पे हाल्ट हो सकते हैं, फ्लैग हो सकते हैं, क्रॉसिंग हो सकते हैं, मतलब छोटा स्टेशन। हाल्ट का मतलब होता है जहाँ पे कोई टिकट घर वगैरह नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे केवल आपका हाल्ट है, गाड़ी वहाँ रुकती है, कुछ लोग चढ़ते हैं, फिर वहाँ कोई टिकट वहाँ टीटी वहीं रहता है, वो टिकट काटे खड़ा रहता है। फ्लैग स्टेशन मतलब केवल एक फ्लैग के भरोसे वहां पे, मतलब ज्यादा ना हो, जंक्शन उसको बोलते हैं। वे साइड में तीन टाइप के हो सकते हैं,
वे साइड स्टेशन में तीन टाइप के स्टेशन हो सकते हैं। क्रॉसिंग स्टेशन इसलिए होता है, मान लीजिए आप इस आपकी रेलगाड़ी इस पर चल रही थी, ठीक है, और उधर से आपके पीछे राजधानी आ रही है, अब राजधानी को आगे निकलना है, तो इधर ना एक ऐसे गाड़ी को मोड़ करके इधर आप अपनी गाड़ी इधर से ले आएंगे और इस पर खड़ी कर लेंगे ले, ठीक है, और राजधानी जब खड़ी कर लेंगे, यहाँ एक स्टेशन बना दिया जाएगा, लोग चढ़ उतर भी लेंगे, जब राजधानी यहाँ से निकल जाएगी तो फिर आप यहाँ से ले जाके मिला देंगे। जब आप कभी खड़े होते हैं, आपकी गाड़ी रुक जाती है चलते चलते ट्रेन, तो लोग कहते हैं अरे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग का मतलब आप सोचते हैं आपके बगल से गाड़ी जा रही है, वो चली जाएगी तो हम जाएंगे, पर वो कैसे चली जाएगी, असल में आप साइड में निकाल के खड़े रहते हैं, उसको जाने दिया था, फिर आप आगे उसी ट्रैक पे मिल जाते हैं, आपको लगता है कि हम तो यहाँ बैठे हैं, हमको बगल में एक ट्रेन जाती हुई दिख रही है, तो उससे हमारा क्या लेना देना, लेना देना है, तुम साइड में खड़े हो, तुमको पता नहीं है, तुम्हारी गाड़ी उधर से ले जाकर उस पर खड़ा कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं वे साइड स्टेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सब थे इसके प्रकार, तो ये था स्टेशन में पहला वे साइड है। अब जंक्शन होता है, तो जंक्शन बड़े स्टेशन होते हैं जहां कई शाखा लाइनें आके मुख्य लाइन से मिलती हैं, मतलब कई अलग अलग जगहों से ब्रांच लाइन आके मेन लाइन से मिलती हैं, जंक्शन के रूप में जाना जाता है। एक जंक्शन स्टेशन पर तीन या अधिक दिशाओं से लाइनें आके मिलती है, मतलब एक लाइन इधर से आई, एक लाइन इधर से, मतलब सिंगल लाइन नहीं होती, कई जगहों से लाइन आके मिलती है, वहां जंक्शन होता है, और जंक्शनों के बीच में कई व्यवस्था, जैसे मुख्य और शाखा लाइन के बीच में यातायात का आदान प्रदान की सुविधाएं, ट्रेनों के डिब्बों की सफाई और मरम्मत की सुविधा होती है जंक्शन पे, अच्छी साइडिंग, इंजन से टर्न टेबल आदि की व्यवस्था, ये सब जंक्शन पे होता है। अब टर्मिनल स्टेशन एक ऐसे स्टेशन होते हैं ना जहां पर जाके रेलवे लाइन खत्म, आगे जा ही नहीं सकते हैं, सीमांत बोलते हैं उसको, मतलब उसके बाद वो रेलवे लाइन ब्रेक, उसको बोलते हैं टर्मिनल स्टेशन, ठीक है ना। तो ऐसा आपको अगर आप लखनऊ में होंगे तो देखते हैं, गोरखपुर से लखनऊ के लिए जो छोटी लाइन जाती है वो एक टर्मिनल स्टेशन बनाती है। स्टेशन हो गया, अब अगली चीज हमारे लिए है यार्ड। यार्ड किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है और किसी एक का वर्णन करिए, ये भी हमसे बोला। देखिए यार्ड का मतलब होता है गाड़ी पहुंची तो स्टेशन पर खड़ी हो जाएगी, तो वहीं पर प्लेटफार्म बने होते हैं, प्लेटफार्म से आगे पीछे गाड़ियों का रख रखाव है, उनको सर्विस वगैरह करना है, जैसे उनका गैराज टाइप का है, उसके लिए अगल बगल का जो क्षेत्र होता है ना काफी चौड़ा चौड़ा रखा जाता है, जंक्शन पर अक्सर यार्ड पाया जाता है, जहां पे जंक्शन बनता है उसके आगे पीछे अक्सर यार्ड मिलता है। वाह, जैसे कोई गाड़ी आई तो उसके डब्बों को छांटना है, या एक डब्बे को इस ट्रैक पे, एक डब्बे को इस ट्रैक पे भेजना है, इस टाइप से रेलवे लाइनें अक्सर जंक्शन के पहले मटी होती हैं, तो उस क्षेत्र को यार्ड कहते हैं। यार्ड क्या है, एक क्षेत्र है। अब एक चीज जान लीजिएगा, यार्ड में लगभग चार तरह के यार्ड आपके पाए जा रहे हैं, एक यात्री यार्ड है, एक माल यार्ड है, और एक मार्शल यार्ड है, एक लोकोमोटिव यार्ड, ठीक है ना, इनके नाम में ही इनका काम भी छुपा हुआ है। अब यात्री यार्ड, माल यार्ड, मार्शल यार्ड या लोकोमोटिव यार्ड क्या होते हैं, तो हल्का फुल्का जान लीजिए चार प्रकार के यार्ड है। यात्री यार्ड क्या होगा, यात्री यार्ड का कार्य यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करना। यात्री यार्ड में क्या क्या होता है भाई, यात्रियों के लिए बुकिंग कार्यालय, पूछताछ कार्यालय, सामान बुकिंग कक्ष, क्लॉक रूम और प्रतीक्षालय, मतलब ये सब चीजें जब बनी है तो वो यार्ड जो है वो यात्रियों का यार्ड हुआ। उसके अलावा और भी चीजें, गाड़ियों के स्वागत और डिस्पैच के लिए सिग्नल सेटिंग सुविधाओं के लिए, बैटरी बदलने के लिए सुविधा, यानी यात्री यार्ड को पूरा डिटेल में ये समझा दिया। अब यदि हम लोग बाकी यार्डों की बात करें, समझिएगा जरा यहाँ पे, बाकी यार्ड की हमें किसी एक को डिफाइन करना था तो यात्री यार्ड को बताया, डिफाइन कर दिया। प्रकार की बात करें, दूसरा है माल यार्ड। माल यार्ड का मतलब जहां सामान की छटनी होती है, जैसे कई बार ना, जैसे एक ही जगह से बहुत सारे कोयला भी लद के आ गया, चादर भी लद के आ गई, तो स्टील की, उसके बाद छड़े भी आई हैं, कुछ बाइक वाइक लद के आई हैं ट्रेन पे, तो उनका छटनी करने के लिए जहाँ पे ट्रेनों को रोक के उनको चेक किया जाता है या डिस्पैच किया जाता है सामान को, उसको कहते हैं माल यार्ड। वहीं पे मार्शलिंग यार्ड जो होता है, वहाँ अलग अलग ट्रेनों को अपने अपने अलग अलग रूट के लिए डाइवर्ट किया जाता है, मतलब मार्शलिंग यार्ड में अलग अलग टाइप की ट्रेनें हैं या अलग अलग टाइप के डिब्बे हैं, तो उनके उनके रूट पर मतलब एक तरीके से फिल्टर किया जाता है कि कौन को कहाँ जाना है, तो यहाँ से ट्रेनें अपनी अपनी दिशा में या कोच अपने अपनी जगह पर डाल लेते हैं। और लोकोमोटिव यार्ड होता है, यार्ड का मतलब समझो यार एक जगह,
ये समझो। लोकोमोटिव वर्क का मतलब होता है जहां पर लोकोमोटिव का काम हो, यानी इंजनों को बनाना, इंजन के पार्ट चेक करना, उसका गाड़ी का मेंटेनेंस करना, ये सब लोकोमोटिव काम होते हैं। और जिस जिस जगह पर ये सब काम होता है उसको लोकोमोटिव यार्ड कहते हैं, और यार्ड वो स्टेशनों के अगल बगल की जो जगह होती है उसको हम लोग यार्ड कहते हैं। तो इतने टाइप के यार्ड हम लोग के बन सकते हैं। केवल चलने के अलावा, जैसे रेलगाड़ी दौड़ रही है उसके अलावा जो जगह वो क्या है, वो यार्ड। यार्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं, लोगों के रुकने की व्यवस्था, हाथ मुंह रिफ्रेशमेंट, तमाम चीजें। प्लेटफॉर्म के अगल बगल की जगह की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब था आपका यार्ड के बारे में। अब अगली चीज हमारी आती है जिसको हम लोग बोलेंगे पुल या सेतु का परिचय, यानी हम लोग अब बात करने वाले हैं पुलों के बारे में। रेल पूरा हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, और इतना जितना रेल में आप पढ़े होंगे आप पूरा रिवाइज कर देंगे। अगर आपका इतना तैयार है तो फेल होकर नहीं आओगे, यकीन करो मैं, ठीक है। आप पुल यानी सेतु यानी इंट्रोडक्शन टू ब्रिज, और ब्रिज के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हम लोग का पुल के घटकों का चित्र सहित विस्तार से वर्णन करिए, यानी एक पुल में क्या क्या चीजें होती हैं। विद डायग्राम भी समझ लेंगे आप, मालूम होगा एक ब्रिज होता है तो उसके दोनों किनारों पर दो पुल होते हैं। आप ऐसे समझिए इसको, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। एक ब्रिज अगर मान लीजिए यहाँ पे है, तो ब्रिज यहाँ से ऐसे लोग चढ़ना शुरू करते हैं ब्रिज पे, तो यहाँ पर जो है ना ऐसे पहला खंभा होता है, ठीक है ना। फिर ब्रिज पर चलें, फिर उतरते हैं ब्रिज से, और ये एक खंभा यहाँ होता है। कई खंभे बीच में भी होते हैं, कई खंभे बीच में भी होते हैं, और यहाँ पे आपकी डेक होती है जिस पर गाड़ी मोटर अपना रन कर रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ में जो बीच के खंभे हैं उनको हम लोग पियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियर्स। ये किनारे वाले जो खंभे होते हैं ये इनको बोलते हैं अबूटमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? अबूटमेंट्स बोलते हैं। और जो ये रास्ता होता है ब्रिज पे पहुंचने का, इनको बोलते हैं अप्रोच। इनको बोलते हैं अप्रोच। इसको बोलते हैं जो ये स्लैब डाली जाती है, इसको डेक स्लैब बोलते हैं। तो ये ब्रिज के पार्ट है, और इसके नीचे इन खंभों के नीचे ब्रिज के फाउंडेशन भी होते हैं। ये किनारे वाले खंभे, इसके एक तरफ पूरा मिट्टी भरी रहती है, इधर भी मिट्टी भरी रहती, तो एक तरह का फीलिंग होता है। तो ये ब्रिज के हल्के फुल्के कंपोनेंट को मैंने समझाया, उन्हीं चीजों को यहाँ पर डिटेल में आपको समझाया गया है। देखिएगा, पहले अंत्याधार अबूटमेंट्स है। पुल के दोनों सिरों पर आलम्बों के रूप में बनाए गए ठोस पाए अंत्याधार कहलाते हैं। इनके भीतरी फलक से पानी छूटा हुआ निकलता है। पानी मतलब ये ब्रिज पानी वाले ब्रिज की बात हो रही है ना, जबकि बाहरी फलक मिट्टी में दबा रहता है। बाहरी फलक मिट्टी में और एक किनारा पानी में। पुल चाहे कितने ही पार्टों वाला हो, अंत्याधार दो ही होते हैं। मतलब कई स्पैन हो सकता है ब्रिज का, लेकिन किनारे किनारे तो दो ही अबूटमेंट होंगे ना, बाकी तो पियर्स होंगे। फिर देखो यहाँ पियर आ गया। पुल के मध्य भागों में दिए गए पायों को आलम्बों को प्रस्तंभ कहते हैं। इनके अगल बगल से होकर नदी का पानी निकलता है। प्रस्तंभ पुलों की लंबाई को उपयुक्त पार्टों में बांट देते हैं, जिससे पुल का निर्माण सरल हो जाता है। परंतु यह जल प्रवाह में एक बाधा, मतलब बीच में पियर होंगे तो पुल भाई अच्छा बनेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इनमें नीचे पानी में रुकावट भी होती है, पानी इनको बहुत नुकसान करता है। तो पुल के पार्टों की संख्या पियर के तुलना में एक ज्यादा होती है, ठीक है ना। मतलब अगर कह सकते हैं प्रस्तंभों की संख्या पार्टों से एक कम, यानी देखो समझो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ऐसे कहा दो ठो तो अंत्याधार हो गए, मतलब कह सकते हो तुम इसको क्या अबूटमेंट। बीच में मान लो तीन ठो पियर है, तो फिर स्पैन एक दो तीन चार, चार ठो स्पैन के बीच में तीन ठो पियर, यानी पियर की संख्या इन चार स्पैन से एक कम है। यही बात यहाँ पे इसने समझाई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रस्तंभों की संख्या इनके पार्टों की संख्या से एक कम। फिर आ रहा है फर्श या पार्टन स्लैब, डेक स्लैब, जो ऊपर स्लैब डाली गई है पुल का सबसे ऊपरी समतल भाग जिस पर यातायात चलता है वो। फिर आता है विंग वॉल। यहाँ पे देखो विंग वॉल क्या होता है ना, एक चीज जान लो यहाँ पे विंग वॉल क्या होता है। इस डायग्राम में ये देखो प्लान है, ऊपर से जब ये पुल का ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, इधर से गाड़ी चढ़ी तो पहला वाला जो कॉलम है ये अबूटमेंट है, दूसरा अबूटमेंट है, बीच में देखो एक पियर है, ठीक है ना, पियर है। ये ब्रिज का डेक है, एक स्पैन है, ये दूसरी स्पैन है। जानते हो ये जो अबूटमेंट होते हैं ना ये ऐसे बने होते हैं, ये जो हिस्सा जो ऐसे मुड़ा होता है दोनों तरफ, इसी को बोलते हैं हम लोग विंग वॉल। विंग वॉल क्योंकि नदी की चौड़ाई को ये क्या करते हैं,
एक शेप मिले, देखो नदी ऐसे बह रही होगी ऐसे, तो हम इसको ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये नदी की चौड़ाई को शेप में लाते हैं, तो इसी को देखो विंग वॉल या पश्च भित्ति बोलते हैं। पुल का और सही डायग्राम नीचे देखो, यहाँ पे ये पूरा डायग्राम है, प्लान एलिवेशन दोनों दिखाया गया। ये एलिवेशन है देखो, ये अबुटमेंट हुआ, ये अबुटमेंट हुआ, ये पियर हुआ, नदी ऐसे बह रही है, इस पर देखो रेलिंग लगी ताकि लोग गिरे ना पानी में, ये अप्रोच था, यहाँ दोनों तरफ सड़क है, अंत्याधार हो गए, तो ये सब बताया गया है। इन्हीं के साथ में ये ऐसे चौड़े होके नदी में मुड़े होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग विंग वॉल, यहाँ पर ये बने हुए चित्र भी बना दिया, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन है। तो फिर उसके बाद कुछ घटक हो गए, अब ब्रिज अप्रोच यानी पुल के पाटन तल पर पहुंचने के लिए इसके सिरों पर जो सड़क अथवा मार्ग विशेष रूप से बनाया जाता है उसे पहुंच मार्ग कहते हैं। मैंने बता तो सब दिया लेकिन यही चीज लिखित भाषा में है, इस पीडीएफ को एक बार देख लोगे तो यही चीज होता है आपका पूरा। फिर न्यू है फाउंडेशन, मतलब सारे प्रस्तंभों और अबुटमेंट के नीचे फाउंडेशन होती है जो पुल पर आने वाले लोड को नीचे सबसॉइल पे ट्रांसफर करती है। जितना मैं बोला हूं उतना ही लिखा गया, पढ़ के देख लो, मैं बस बोल रहा हूं, देखो उतना ही लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो देख लेना ध्यान से यहाँ पे। तो ये था पुल के पार्ट्स के बारे में। अब हमसे पूछा पुल के बारे में एक और क्वेश्चन कि पुल और पुलिया के बीच में अंतर स्पष्ट करिए। देखो पुल और पुलिया में बस इतना ही अंतर है कि पुलिया 6 मीटर से छोटी होती है और पुल उससे बड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। जब अंत्याधारों प्रस्तंभों के मध्य पार्ट 6 मीटर से अधिक होता है तब इस पर बनाए गए सेतु, मतलब सीधे ये अबुटमेंट है ना उनके बीच, मतलब 6 मीटर से बड़ा स्पैन हो गया तो पुल हो गया, और नहीं तो ये उसके नीचे हुआ तो ये पुलिया हुआ। यातायात भार की दृष्टि से पुल और पुलिया में कोई अंतर नहीं होता है। नदी नालों की चौड़ाई देखकर ही पुल का पार्ट निर्धारित किया जाता है। पार्ट के अनुसार पुलों की निम्नलिखित श्रेणियां हैं, क्या क्या हैं देखिएगा जरा यहाँ पे। पहले होता है छोटा पुल, यानी 80 मीटर तक छोटा पुल होता है, 80 से 120 मीटर तक बड़ा पुल, और 120 मीटर से अधिक जो हुआ वो सबसे बड़ा पुल हो गया, यानी बहुत अधिक बड़ा हुआ। पुलिया किसको कहते हैं? ऐसे पुलों को जिनका पार्ट 6 मीटर अथवा कम होता है। कभी कभी देखे होंगे नाला बड़ा सा बह रहा था, स्लैब डाल दी गई है, पुलिया दो तीन देखिए यहाँ पे पुलिया का नाम जाना, पुलिया एकल अथवा दो तीन पार्ट वाली हो सकती है। पुलिया सामान्यतः बरसाती नालों, खाइयों, सीवर, सिंचाई नाली आदि पर बनाए, जबकि नदियों पर जब बनता है तो निश्चित रूप से उसको पुल कहते हैं, ठीक है। अब पुलों का वर्गीकरण, ये बड़ा खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर पा रहा उतना वर्गीकरण याद करना, न याद आ पाए बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर पुलों का वर्गीकरण का खाली नाम याद रखना तुम, ठीक है ना, ध्यान रखना नाम याद रखना जितना याद कर पाओ। वर्गीकरण कितने तरीके से किया गया है, आयु के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं पुल, विस्तार यानी स्पैन के अनुसार तो ऊपर देख ही लिए, लंबा बड़ा मीडियम तीन देख ही लिए स्पैन के अनुसार, तो उसके बाद संरेखण के आधार पर, बाढ़ तल के अनुसार, पाटन स्लैब की स्थिति के अनुसार, यातायात के अनुसार, भार धारण क्षमता के अनुसार, निर्माण सामग्री के अनुसार। अच्छा अभी प्रकार नहीं बताया, खाली किस किस आधार पर बांटा गया वो बता। फिर उसके बाद प्रचलन यानी मूवमेंट ऑफ ब्रिज के अनुसार, आलम या टेक के अनुसार, आकृति के अनुसार, इतने सारे आधारों पर बांटा गया किसको, ब्रिज को। आयु के आधारों पर खाली नाम लेता, जैसे सबसे पहले आयु के अनुसार बांटा गया, आयु के अनुसार स्थायी पुल हो सकते हैं या अस्थायी। अब स्थायी क्या होता है, जो तुम जिस पर गाड़ियां दौड़ा रहे हो स्थायी है, सही। ऐसे देखो पीपा पुल, देखो पीपा पुल जिस नदियों में पानी रहता है तो उस पर बड़े बड़े ड्रम बना के ऐसे हिलता रहता है नदियों के ऊपर, पानी के ऊपर ही बना रहता है। या नौका पुल होते हैं, ये सब अस्थायी होते हैं, नदी में पानी है तो है, पानी का लेवल कम हुआ तो हटा दिया गया तमाम, या बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तब भी हटा दिया गया, ये सब अस्थायी। आयु के अनुसार जैसे स्थायी और अस्थायी, ठीक है ना, इनको बना दिया गया। स्थाई पुल परमानेंट ब्रिज होते हैं, चिनाई का पुल, अब स्थाई में भी बांट दिया, चिनाई का मतलब जिसका क्या किया गया हो, ब्रिक वगैरह चिनाई किया गया हो, इस्पात का पुल, प्रबलित कंक्रीट का, फिर ये स्थाई पुल है, ये सब स्थाई पुल है। अब अस्थाई पुल में लकड़ी का है, झूला पुल, हवाई पुल, तैरते पुल, सेतुक, ये सब क्या है, अस्थाई पुल के प्रकार है। ये सब स्थाई और अस्थाई आयु के अनुसार बांटा, फिर विस्तार के अनुसार, मतलब स्पैन के अनुसार, स्पैन अनुसार या तो पुलिया होगा या तो पुल होगा, फिर घाटी सेतु या मार्ग सेतु, सेतु इसमें से तुम जितना नाम याद रख पाओ उतने याद कर लो। इनका कोई ऐसा नहीं कि इतने सारे लिखना जरूरी है, जितने तुम याद कर पाओ उतने नाम, नाम सुने रहो लिख दो। संरेखण के अनुसार, संरेखण मतलब कैसे जा रहे हैं, समकोण पर पार कर रहे हैं तो समकोणक, नहीं तो मैंने बोला ना
एकदम नदी नाले को समकोण पे पार करना चाहिए, समकोण पे पार किया तो समकोणक और नहीं तो क्या हो गया तिरछा पार किया तो तिरछा पुल। ये था संरेखण के अंदर। बाढ़ तल के अनुसार निमज्जनी पुल अनिमज्जनी, कुछ ऐसे पुल होते हैं जैसे नदी का पानी कितना भी ऊंचा चला जाए पुल ऊपर ही जाएगा, और कई बार ऐसा होते हैं निमज्जनी का मतलब होता है सबमर्ज और नॉन सबमर्ज, ठीक है ना। तो सबमर्ज मतलब जो बाढ़ आने पर पुल डूब जाता है पानी, तो उसको कहते हैं निमज्जित यानी सबमर्ज। और नॉन सबमर्ज कौन सा होता है, जो बाढ़ का पानी कितना भी बढ़े वो डूबेगा नहीं। पाटन पाटन स्लैब की स्थिति के अनुसार, पाटन स्लैब की स्थिति के अनुसार या पाटन स्लैब के अनुसार या पाटन डेक ब्रिज होता है, अंतरवाही होता है, अर्ध अंतरवाही होता है। डेक का मतलब स्लैब है, स्लैब के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। और ये कैसा है मतलब इसकी स्थिति के अनुसार कैसा है, अंतरवाही का मतलब होता है कि कई बार डेक इसकी पानी के अंदर रहती है, कई बार पानी के अंदर और बाहर दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है। यातायात के अनुसार रेल का पुल हो सकता है, सड़क का हो सकता है, पैदल का हो सकता है, जल सेतु, जल सेतु एक्वेडक्ट होता है, इरिगेशन में पढ़ोगे, पानी को कैरी करने वाला वो भी तो पुल है। पुल या तो रेल को कैरी करेगा या सड़क को या पैदल को या जल सेतु को, ये सब। निर्माण सामग्री के अनुसार यानी मटेरियल के आधार पर पुल कितने प्रकार के, लकड़ी का यानी टिम्बर का हो सकता है, मैसोनरी का हो सकता है, उसके बाद स्टील का हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, प्री स्ट्रेस का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, और अस्थायी पुलों के लिए प्रकाश का प्रयोग है। कभी कभी जंगल उंगल में देखे हो, कभी वो देखे हो ना धमाल वाली मूवी, डब्लू के नीचे 10 करोड़ है, गाड़ी पास कराएंगे, ये ब्रिज टूटा हुआ है, गाड़ी को इस स्पीड से लेकर उड़ा देंगे, फिर एक ढेला मारता है वो भी गिर जाता है, तो वो किस चीज का पुल रहता है, लकड़ी का पुल रहता है। तो इसलिए तो अस्थायी तौर पर लकड़ी का पुल सबसे ज्यादा सक्सेस है। प्रचलन के अनुसार देखो इतना वर्गीकरण, प्रचलन का मतलब होता है कि कुछ चल पुल होते हैं, चल पुल ऐसे पुल होते हैं जो अपने स्थान से पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा में सरक जाते हैं। चल पुल का मतलब ऐसे पुल, झूला पुल देखो, लक्ष्मण झूला पुल देखे हो, जब तुम उत्तराखंड में जाओगे नदियों के आर पार ऐसे तार से बना पुल, ऐसे आगे पीछे हिलता है, उसी पर सब हिलते डुलते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले तुमने सुना होगा कि ब्रिज टूट गया था, पूरा झूलने वाला ही पुल था, तो स्विंग करता है वो ब्रिज, तो वो चल पुल उनको कहा जाता है। कई बार बेसपुल ब्रिज होते हैं, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट ब्रिज होते हैं, ट्रैवर्जिंग ब्रिज होते हैं, लिफ्ट ब्रिज होते हैं, तमाम टाइप के जितने तुमको नाम याद है, मैं बार बार कह रहा हूं उतने नाम याद रखो। आलंबन या टेक के अनुसार कई पुल सपोर्ट के आधार पर शुद्ध आलंबित, सतत, प्रास पुल, संतुलित प्रास, ये सब। आकृति के अनुसार आपका डाट पुलिया, डाट पे ऐसे टिका हो, कई बार ब्रिज ऐसे बनते हैं ना डाट पे, डाट पे और इसी के ऊपर डेक बना ली जाती है, ऐसे ऐसे ब्रिज होते हैं, कई स्लैब पर होते हैं, कई पाइप पुलिया बने होते हैं, कई पोर्ट बॉक्स कलवर्ट होते हैं, बॉक्स कलवर्ट हो रहा है इरिगेशन में तुमको देखने को मिल जाएगा ये सब। तो ये सब होते हैं पुलों के प्रकार, तुम जितना याद कर पाना उतनी अच्छी है, ठीक है ना। उसके बाद का चैप्टर है पुलों की नींव के बारे में, कि पुलों की जो नींव होती है वो कैसी रखी जाती है, ठीक है ना। न्यू के बारे में देखो तीन ही न्यू है, तीनों के बारे में तुम ऑलरेडी पढ़े हो कहीं ना कहीं, चाहे सवाल में पढ़े हो चाहे इरिगेशन में पढ़े हो। पाइल न्यू के बारे में पूरी जानकारी, पाइल के टाइप वाइप सब सॉयल में पढ़ा दिया गया आपको, ठीक है ना। सॉयल में कैसे, सॉयल में फाउंडेशन के टाइप पढ़ोगे तो पाइल का वर्गीकरण किया गया, यानी पुल के लिए जो पाइल का यूज किया गया, पाइल फाउंडेशन का, तो क्या होता है पाइल एक खूंटी तो होती है जो धंसा के, कूप न्यू क्या होता है वेल फाउंडेशन जिसको बोलते हैं कि पाइल तो एक सॉलिड खूंटी होती है, वेल में क्या होता है पूरा चक्र होता है उसको कहते हैं। फिर कैसून न्यू यानी कैसून फाउंडेशन होता है, कैसून में होता क्या है कि पानी के अंदर यदि कोई फाउंडेशन बनाना है तो पूरा पानी के अंदर ट्रेनी ले जाके बॉक्स टाइप का बना के उसके ऊपर बनाते हैं, जब कोई खंभा वगैरह हमारा जिसके ऊपर हमारा पुल टिकता है तो नीचे एक पूरा चबूतरा बना होता है, उस चबूतरे को कैसून बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था तीनों, ये तीनों फाउंडेशन होते हैं, हल्का हल्का पढ़ लीजिए। जब नींव पर संरचना का अत्यधिक भार संकेंद्रित आ रहा हो, तो मृदा की भार धारण क्षमता काफी कम हो, तो अच्छी मृदा की परत काफी गहराई पर मिलती है, पाइल नींव अपनाई जाती है। जलग्रस्त भूमि में जहां भौम जल स्तर में बड़ी तेजी से घटता बढ़ता हो, नदी का निघर्षण अधिक होता है, पाइलें किसकी हो सकती हैं, लकड़ी की, कंक्रीट की, स्टील की, इन सब की पाइलें बनाई जाती हैं। ये 3 मीटर से 30 मीटर लंबाई की हो सकती हैं पाइलें, प्री कास्ट अथवा कास्ट इन सीटू। मैंने पाइलों का इससे बड़ा वर्गीकरण आपको ऑलरेडी पढ़ाया है पिछले कई वीडियो, ठीक है। ये थे पाइल आपके। अब यहाँ पर आपको हल्का सा देखिए, ये इसके बारे में पाइल न्यू के बारे में बताया है, ये पाइल्स हैं इनके ऊपर ये बना है, अब ये पुल खड़ा है, पुल का वो खंबा खड़ा है पियर, इसके नीचे देखो ये पाइलिंग की गई है, इसके ऊपर चबूतरा, तो ये पाइल था।
इसी तरह से वेल होता है, वेल मतलब वेल फाउंडेशन कैसी होती है, तो देख रहे हो ये पूरा कुआं बना हुआ है ऐसे, इस कुएं को ही धंसाया गया तो वेल फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी तुमने पढ़ा है, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा है, और थोड़ा सा तो इरिगेशन में भी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है कैसून। कैसून का मतलब होता है बक्सा, देखो फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है बक्सा। जब इस बक्से को अवभूमि में धंसा कर इसके ऊपर दीवारें, मतलब एक नीचे ना पानी के अंदर या जमीन के अंदर एक बॉक्स बना लिया जाता है और बॉक्स के ऊपर संरचना बनाई, तो इसको कैसून फाउंडेशन कहते हैं। ये तीनों ही डीप फाउंडेशन के प्रकार है, ये तीनों ही डीप फाउंडेशन के प्रकार है, चाहे वेल हो, पाइल हो, और पुल में हमेशा डीप फाउंडेशन ही बनाई जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पुल के फाउंडेशन पड़ गए तो डीप फाउंडेशन पड़ गए। अब पुलों में एक चीज आती है उनकी बियरिंग। बियरिंग का मतलब क्या होता है, देखो डेक जब, जैसे तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, पुल के ये पाए थे, इसके ऊपर खंभे थे ना, खंभों के ऊपर तुम क्या रखोगे, डेक को रखोगे, यानी स्लैब बनाओगे। तो ये खंभों और स्लैब के बीच में जो चीज तुम यहां पर जिस पर टिकाते हो ना, इसको कहते हैं बियरिंग। बियरिंग और बियरिंग कई टाइप की हो सकती है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है चैप्टर है, इनको पुल की बियरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यानी यदि हम लोग इसको साफ शब्दों में कहें तो बियरिंग कहाँ होती है, यदि मैं पुलों को तुमको दिखाऊं कि बियरिंग कहाँ होती है तो अभी दिख जाएगा तुमको, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे तुमने इसको देखा था। तो अभी बियरिंग को समझो, ये जो पाए हैं ना, ये जो पाए हैं सब यहीं पे बियरिंग रखी जाती है ऐसे, तभी इनको ये जो स्लैब इसके ऊपर डाली जाएगी, यहाँ पे बियरिंग रखना जरूरी है तभी टिकेगा। कभी ध्यान से देखना तुमको बियरिंग दिख भी जाएगी, ठीक है, तुमको बियरिंग दिख भी जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। नहीं वो खत्म, उसके बाद आपका आता है बियरिंग। पुलों की बियरिंग क्वेश्चन क्या बना इनसे, बियरिंग से, पुल बियरिंग से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन और इनका उद्देश्य। पुल के पाटन, गर्डरों और आलम्बों के शीर्ष के मध्य ऐसी व्यवस्था जो पुल का भार आलम्बों पर सुरक्षा पूर्वक अंतरण करे, आलम्बों मतलब सपोर्ट पर ट्रांसफर करे, और पाटन माने पाटन मतलब स्पैन गर्डरों के मुक्त प्रसार, संकुचन और विक्षेपण में सहायक। जैसे ये खंभा है, इस पर पुल रखा गया, तो अगर इसको इससे फिट कर दिया जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिट इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि तो कई बार ना ये डेक फैलते हैं गर्मी पा करके, तो ये इस पर मूव कर पाए, तो इसलिए बियरिंग जानते हो तुमको, खंभे के ऊपर ना हौले जाके बस रखा रहता है, कहीं फंसा नहीं रहता, जिस पर तुम गड़िया दौड़ाते हो रोड पे, वो खाली उसी पर ले जाकर रखा रहता है, और रखने की कई व्यवस्थाएं होती हैं, इसको फैलने सिकुड़ने की जगह होती है, चाहे तो उसको गिरा दोगे ना गिर जाएगा नीचे, लेकिन उतना बल है नहीं हम लोग के पास, तो वो बहुत भारी होता है इसलिए नहीं गिरता है। तो पुलों की संरचना की दृष्टि सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुल धारक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लंबे पाट वाले पुलों पर यातायात तथा अधिरचना के कारण बहुत अधिक चल अचल भार आता है। जो पाटन गर्डर, गर्डर मतलब जो पुलों के डेक के नीचे लगे रहते हैं गर्डर, सिरों से पुल के अंत्याधार और स्तंभों पर पड़ते हैं। यदि इन आलम्बों के शीर्ष के निर्माण की सामग्री संपीड़न सामर्थ्य पर्याप्त नहीं है तो बियरिंग का मतलब तुम समझते हो ना, बस समझो कि तुम शूज पहने हो तो पैर में जूता पहन लिए, तो जूता पहनोगे तो थोड़ा ना तुम्हारा पैर मोजा डालना जरूरी है, तो समझो इनके ऊपर डायरेक्ट ये रखेंगे ना तो ये दोनों खराब हो सकते हैं, तो इनके नीचे बियरिंग डाली जाती है ताकि इनको एक अच्छा एब्जॉर्प्शन भी मिल पाए और एक बेस भी अच्छा बन पाए, ये भी है। अब इनका काम क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है यहाँ पे हमसे कि पुल धारक बियरिंग क्या होते हैं, इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य होता है ऊपर के भार को बिना झटका दिए हुए अब्यूटमेंट्स तक अच्छे से ट्रांसफर करना, या फिर इनको कह सकते हैं कि संपीड़न सामर्थ्य अच्छी नहीं रहेगी तो ये पिचक जाएंगे, पिचकने से बचाने के लिए भी, क्रशिंग से बचाने के लिए भी ये किया जाता है, ठीक है। पुल धारक के प्रकार, कितने प्रकार की बियरिंग होती है और किसी एक के बारे में बताइए। देखो बियरिंग होती है कई तरह की, और अगर पहला बात करें तो दो प्रकार के मुख्य रूप से, एक स्थिर यानी फिक्स्ड होती है, एक एक्सपेंशन होता है। देखो एक बियरिंग ऐसी होती है जिस जो फिक्स वहीं पर रुक जाती है, और एक होती है जो एक्सपेंशन भी होता है बियरिंग में, तो रोलर पे टिका रहता है, वो आगे पीछे सरकने देता है, डेक का एक्सपेंशन होने देता है। यानी देखो बोला गया है स्थिर, पहले फिक्स्ड बियरिंग को बताया गया कि सीमेंट कंक्रीट की पट्टियां, यानी ये खंभा था, ये डेक था, उसके बीच में सीमेंट कंक्रीट की पट्टी डाल दी गई, या फिर कुछ प्लेट बियरिंग डाल दी गई। गहरे आधार वाला डीप सीटेड बियरिंग होती है, दोलन, इनके बारे में नहीं जानना, बस नाम जान लो,
नकल बियरिंग, ये सब बियरिंग के प्रकार हैं। डायग्राम बना बना के समझाऊंगा, तुम एग्जाम में उतना बना भी नहीं पाओगे, टाइम लगता है उसमें बहुत ज्यादा। तो अगर मेन क्लास में पढ़ लेना ये सब बियरिंग वगैरह का, मेन क्लास में पढ़ाया हो तो एक बार तुम इसको देख लेना, फिर उसके मतलब मोटा जान लो कि एक बियरिंग हुआ जो फिक्स्ड है, और ये क्या होते हैं फिक्स्ड वाले, यह धारक निम्न प्रकार के हैं, और एक होता है प्रसार यानी एक्सपेंशन, यह मारक पुल के मुख्य गर्डर के अनुदैर्ध्य दिशा में, यानी जो ये गर्डर है ना जो इसके ऊपर ऐसे रखा गया है पुल, ये पुल इस पर हम लोग दौड़ाएगा, ये खंबा है, ये गर्डर को आगे पीछे होने देता है, सरकने में सहायक होता है। प्रसार मारक के निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी सरपी प्लेट धारक, अब ये चार पांच प्रकार हैं जो एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं, ये कैसे काम करते हैं थोड़ा डीप हो जाएगा इस वीडियो में नहीं, ठीक है ना, मेन वीडियो में थोड़ा, क्योंकि इन दोनों का चाहे फिक्स हो चाहे इनके डायग्राम से ही समझ में आएगा कि ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हुआ, अब एक प्लेट, प्लेट बियरिंग को साधारण साधारण स्थिर बियरिंग होता है, देखो ये मुख्य गर्डर है, ये ले आके रखी गई है किसी अंत्याधार है, यहाँ पे अंत्याधार मतलब होता है आपका जिसके ऊपर टिकाया गया है, तो इसी के नीचे जो कंक्रीट की लेयर डाली गई है एक फिक्स्ड बियरिंग की तरह काम कर रही है, यहाँ इसके बारे में बता दिया गया, इसका ये पूरा ये ब्रिज का ही बियरिंग है, तो यहाँ पे नीचे समझा दिया गया है इसको। अब हम लोग का आ जाता है क्या लास्ट टॉपिक है इसका, जो है टनल, और टनल से घुमा फिरा के एक दो क्वेश्चन बनने हैं। एक क्वेश्चन टनल से बना तो भैया उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि टनल की विधियां कौन कौन, टनलिंग करने की विधियां कौन कौन सी हैं, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जान लो, टनल में तुम उस चीजें जानते रहोगे ना तो कोई भी विधि का नाम लिख के कुछ भी लिख देना चलेगा, तुमको कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में पास होने भर की बात कर रहा हूँ, यदि तुम ढंग से सुन लिए। देखो टनल क्या होती है, जमीन है हमारे पैर के नीचे, इसके अंदर कुछ गया होगा रास्ता, वो टनल है, सुरंग जिसको बोलते हैं। ये बताओ जो सुरंग जाती है ना, तो हमको पता कैसे कि कहाँ से ले जाना है, तो हम जमीन के ऊपर से है ना ड्रिल कर करके जगह जगह पे उसका रास्ता तय करते हैं पहले से, फिर अंदर अंदर जब खुदाई शुरू होती है तो ऊपर एक ड्रिल की है ना कि मतलब एक यहाँ से टनल जाएगी, फिर फलाना जगह से भी ड्रिल करो, इन जगहों से होके जाएगी, क्योंकि रास्ता तो जाना चाहिए ना कि अंदर खोदते चले जाओ कहीं भी निकल जाओ जाके। कहने का मतलब है उसकी ड्रिलिंग के लिए शाफ्ट डाले जाते हैं, तो ये डालना कि टनल बनाने के नियम क्या है, उसका संरेखण निर्धारित करना, शाफ्ट इंस्टॉल करना, उसके बाद एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक टनल की खुदाई करना, और उसके बाद टनल की लाइनिंग करना, अंदर से लाइनिंग मतलब आस्तरण करना, और उसके बाद उसमें बिजली पानी और जल निकासी की व्यवस्था करना। ये टनल के स्टेप हैं बनाने के। अब इसी को करने के लिए ना अलग अलग विधियां बनाई गई हैं कि कैसे किया जाए, तो जब तुमको विधियां ना मालूम रहे ना तो तुम ये पांच स्टेप जरूर लिख के आना और इनमें बताना, ये याद रखोगे तो काम हो जाए, बस इतना जाओ, ठीक है। कि बाकी बहुत विधियों में अलग अलग नियम है, लेकिन वो तुमको इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। सुरंगों को परिभाषित करते हुए इसकी आवश्यकता समझाइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सुरंग की क्या आवश्यकता है और क्या है भूमिगत अभियांत्रिक संरचना या एक कृत्रिम गैलरी जिसका उपयोग यातायात, सीवेज, जल, तेल, खनिज आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है, उसे सुरंग कहते हैं। सामान्यतः सुरंग का उपयोग रेल, सड़क, यातायात के लिए किया जाता है। जब भूमि तल के नीचे 20 मीटर की खुदाई कर मार्ग बनाना पड़े तब सुरंग का निर्माण मितव्ययी होता है, ठीक है ना। सुरंग की आवश्यकता क्या है, अभी आवश्यकता तुम जानते हो, महानगरों में जब यातायात इतना अधिक हो जाए कि सड़कों की चौड़ाई उसे ना संभाल पाए तो चलो अंदर से ले चलो। सड़क की जब किसी ऊंची पहाड़ी के दूसरी ओर, जैसे पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है, अंदर अंदर सुरंग बना लो, सीधे छेद दो पहाड़ को। तब जब अधिक भूस्खलन होने के कारण पहाड़ी मार्ग, जैसे पहाड़ पे चल रहे हो सकता है लैंड स्लाइडिंग हो जाए और रास्ता चौक हो जाए, फिर अंदर रास्ता बना लो। ये सब परिस्थितियां हैं जिसमें सुरंग क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसके लिए पुलों के निर्माण की अपेक्षा सुरंग अधिक उपयुक्त रहती है। युद्ध काल में जैसे कई बार हम लोग ऊपर से नासा वाले नजर रखते हैं कि भारत वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन सुरंग के अंदर नजर नहीं जाती है, ये सब सुरक्षा की दृष्टि से भी, तो ये सब चीजें होती हैं सुरंग की वजह है। सुरंग की आकृति एवं माप यानी कैसा होता है सुरंग का, तो विभिन्न प्रकार की सुरंगों की आकृति का चित्र सहित वर्णन कीजिए। कितने टाइप की सुरंगें हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, घोड़े की नाल जैसी, आयताकार, दीर्घवृत्ताकार और अंडाकार, पांच तरह का नाम है। गोलाकार जान गए गोल, घोड़े की नाल मतलब ऐसे चौड़ा होकर नीचे से चपटा हो जाएगा, घोड़े की नाल देखियो कैसे होती है, कभी घोड़े का नाल निकलवाओ तो ऐसे 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 चौड़ा होके ऐसे ऊपर से ऐसे मुड़ा रहता है,
घोड़े कैनाल, फिर आयताकार सुरंग हो सकती है, दीर्घवृत्ताकार मतलब ऐसे इलिप्टिकल बनाएगा, अंडाकार मतलब ओवल अंडे जैसा। तो आपका अंडे जैसा और घोड़े किनार वाला एक जैसा मिलता जुलता दिख सकता है थोड़ा सा, बट चलेगा। वृत्ताकार कैसा है, ये है आपको जैसा दिख रहा है। अब ये वृत्ताकार है पूरा, ठीक है ना। उसके बाद आप वृत्ताकार के बारे में बोला कि यहाँ पे वृत्ताकार न्यूनतम परिधि के लिए अधिकतम काट क्षेत्र प्राप्त होता है, इसलिए मितव्ययी है। इस खंड का निर्माण शील्ड के द्वारा किया जा सकता है, असंजक मृदा के लिए उपयुक्त है, आंतरिक एवं बाहरी बलों को सहन करने में सक्षम है। ये सब सही है इसके लिए। इसके दोष हैं, मतलब क्योंकि रेल मार्ग और सड़क के लिए सही नहीं है। वृत्ताकार रहेगा तो बताओ नीचे तो समतल करना पड़ेगा ना, इसीलिए घोड़ा नाल वाला ज्यादा सही है। क्यों, वो देखो ये बना वृत्ताकार भले ही है लेकिन नीचे से ये चपटा होता है थोड़ा, तो इससे इसके लाभ बहुत सारे। हॉर्स शू इसको बोलते हैं, उपयोग इसी सामान्यता इसी खंड का उपयोग, क्योंकि इसकी आकृति डार्ट सुरंग वृत्ताकार सुरंग के बीच, एकदम वृत्ताकार ना हो और एकदम आर्क ना हो, नहीं ऐसे चपटा टाइप से जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर गया हुआ है घोड़ा नाल। इसके बारे में वक्राकार साइड एवं डार्ट प्रक्रिया बाह्य दाब वहन करना नरम चट्टानों के लिए उपयुक्त है, सड़क एवं रेल मार्ग के लिए उपयुक्त भराई कम करनी पड़ती है, मतलब नीचे से ये फ्लैटर होता है, डायग्राम भले ना दिख रहा हो ताकि उस पर सड़क वगैरह बनाना आसान रहता है। गोल वाले में एकदम ऐसे गोल फिर भराव करो, ठीक है ना। आयताकार खंड की सुरंग, ये आयताकार है तुम देख ही रहे हो, इसके बारे में इसके सबके बारे में। दीर्घ वृत्ताकार इस शेप का होता है, शेप के आधार पर सुरंग का क्लासिफिकेशन करना था। अंडाकार खंड कैसा होगा, तो ये अंडाकार है पूरा ऐसे इस टाइप से, ये अंडाकार खंड आपका है, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये है वक्राकार, सबके बारे में बता दिया हम। अब बोला गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, क्या टिप्पणी है, अस्तरण लगाने के उद्देश्य और अस्तरण के प्रकार। अस्तरण क्या होता है, अरे भैया तुम अभी पढ़े हो, ये जो 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 ये सब बना रहे हो तुम, इसके अंदर ये जो लेयरिंग की जाती है, ये अंदर जो लेयरिंग की जाती है इसको ही तो अस्तरण कहते हैं, लाइनिंग करना अंदर। तो अस्तरण के पहला पूछा कि वजह और दूसरा प्रकार। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में क्या यहाँ पे कि अस्तरण लगाने के क्या उद्देश्य है। भैया बहुत सारे तुम भी जानते हो, फिर अनस्टेबल हो जाएगा अस्तर के प्रकार। उद्देश्य, सुरंग को वास्तविक आकृति प्रदान करना, देखो उबड़ खाबड़ टूटा फूटा है, अस्तर करोगे सेफ हो जाएगा। अमृदा दाब को सहन करना तथा इसे गिरने से रोकना, अगर मिट्टी में खाली खोद दोगे तो गिर जाएगा अंदर, लाइनिंग करने से गिरने से भी रोकेगा प्लस एक आकृति भी प्रदान होगी। दूसरा, अस्तर का प्रयोग करने से पानी रिसकर सुरंगों में, मतलब ऊपर का पानी रिस के नहीं जाएगा, सुरंग सुरक्षित रहेगी, सुरंग के अनुरक्षण व्यय में कमी आती, मतलब मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। कितने प्रकार का अस्तरण हो सकता है, चाहे पूरा लकड़ी पूरा लगा दीजिए सुरंग में, चाहे आप स्टील पूरा सुरंग में स्टील का लेयर कर दीजिए, चाहे ढलवा लोहा, चाहे ईंट की चिनाई कर डालिए, चाहे सीमेंट की कॉन्क्रीटिंग, पत्थर की चिनाई, आदि जितने मटेरियल तुम जानते हो कंस्ट्रक्शन वाले, सबसे उसका अस्तरण किया जा सकता है। तो ये थे अस्तरण के बारे में बात। और अब आता है ये अंतिम टॉपिक है कि सुरंगों के अंदर संवातन, जल निकासी, प्रकाश, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो पूछ दे कि बत्ती व्यवस्था करो, जल निकासी का व्यवस्था, बत्ती मतलब लाइटिंग करो, क्योंकि सुरंग अंदर होती है, लाइट जलना जरूरी है उसमें, जल निकासी और प्रकाश, संवातन मतलब हवा जो उसके अंदर जा रही है उसको निकालने के बाद, क्योंकि अंदर गर्म हवा फंसी रहती है, जगह जगह पर वेंटिलेशन करना उसका। ये इनमें से तीनों में से कोई, संवातन, निकासी और प्रकाश व्यवस्था में से कोई एक पॉइंट आना है पक्का, ये जान लो। तो इसमें सबसे पहले सुरंग में संवातन की क्या आवश्यकता है ये पूछा। पिछली बार शायद क्वेश्चन में हम लोग के वो आ गया था जल निकासी, तो हो सकता है जल निकासी ना आए, संवातन पूछ दे और लाइटिंग पूछ दे। तो ये पहले हमने संवातन ले लिया। संवातन सुरंग निर्माण के समय विस्फोटन, छेद करना आदि से कई चरण, वैसे विस्फोट करा रहे हैं, कई बार एक्सप्लोजन से भी कराते हैं तो गैसेस ट्रैप हो जाती हैं उस गड्ढे में, मैंने ऐसे एक नली बनी उसमें गैसेस बंद हो जाती हैं, उनको निकालने के लिए संवातन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। विस्फोटन द्वारा उत्पन्न, ये क्या विशेषता है, विस्फोटन द्वारा उत्पन्न जहरीली गैसों को बाहर करे, भले ही कार्य बहुत कम अवधि के लिए रोकना पड़े। पूर्ण सुरंग खतरनाक गैस के धुएं से मुक्त होनी चाहिए, खतरनाक गैस के साथ धूल को भी निकाल देना चाहिए। श्रमिकों के सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए सुरंग मुख पर असुविधाजनक वातावरण होना चाहिए। संवातन की विधि, यानी कैसे वेंटिलेशन करेंगे, कैसे गैसों को बाहर निकालेंगे, तो पहली विधि है मैकेनिकल मेथड। इस मैकेनिकल मेथड मतलब उसमें ब्लो कराना, तो उसमें दो विधियां, पर सुरंग के अंदर हवा भरना, सुरंग के अंदर से एग्जॉस्ट द्वारा हवा बाहर निकालना, और दूसरा संयुक्त विधि जिसमें एक तरफ से हवा भेजी जाती है सुरंग में, दूसरे तरफ से निकाली जाती है, ठीक है। सुरंग के अंदर हवा को भरना, इसे आगे धकेलने की विधि यानी
प्रोपल्शन, मतलब एक विधि है कि खाली हवा भरो तो उधर से निकल ही ना जाएगा, तुम भरो तो, दूसरा है तुम निकालो हवा इसके अंदर से तो भरेगा ही ना कहीं से आके तो साफ हवा भरेगी, तीसरा एक तरफ से भरो दूसरा तरफ से निकालो, दोनों काम करो। तो इसके लिए पहली विधि है सुरंग के अंदर हवा भरना, इसको प्रोपल्शन मेथड भी कहते हैं। इस विधि में विद्युत पंखे, इलेक्ट्रिक फैन या ब्लोअर अथवा दोनों के द्वारा स्वच्छ हवा सुरंग के अंदर पहुंचाते हैं। यह हवा काफी दाब पर तेजी से भेजी जाती है तथा बाहर निकल जाती है। यह विधि छोटी सुरंग में अपनाई जाती है। एग्जॉस्ट पंखे द्वारा दूषित हवा को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में ये दूसरा है एग्जॉस्ट अपने आप पहुंच जाता है। और फिर कह रहे हैं यह विधि धूप तथा गंदी हवा को हटाने के लिए उपयुक्त है। कई बार ब्लोइंग तथा एग्जॉस्टिंग दोनों को संयुक्त रूप से उपयोग, तीनों विधियां हो गई। पहली थी क्या, हवा को भेजना, पहला था हवा को भेजना यानी ये था पहला, दूसरा था हवा को निकालना, तीसरा है संयुक्त विधि। संयुक्त में देखिए एक तरफ से क्या किया जा रहा है, एग्जॉस्टिंग की जा रही है और दूसरे तरफ से ब्लोइंग की जा रही है सुरंग के अंदर। देखिए ये ब्लोअर चल रहा है और साथ में ये ब्लोअर चल रहा है यहाँ पे और एक तरफ से इसकी एग्जॉस्टिंग भी हो जा रही है, ठीक है ना। ये था हवा का वेंटिलेशन। दूसरा है सुरंग में प्रकाश की व्यवस्था का वर्णन करिए, लाइटिंग करने का पूरा बताया। सुरंग में संवातन एवं धूल के कारण डस्ट प्रिवेंशन व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। अच्छा संवातन और सुरंग के अंदर कार्य करे समय को ये सब बता दिया। इसी प्रकार सुरंगों में धूल के प्रवेश करने पर व्यवस्था भी जरूरी है। तमाम सुरंगों से गुजर रहे पथकों अथवा कार्य करे समय को पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि प्रकाश दो। लाइटिंग करने के लिए क्या कर सकते हो, प्राय सुरंग के प्रारंभिक व अंतिम सिरे पर दिन में प्राकृतिक प्रकाश से सुरंग दिख जाती है, मतलब जहां से सुरंग शुरू होती है जहां खत्म होती है वहां तो दिखता ही है। अब बसता है हमारे पास क्या, सुरंग के प्रवेश दिख जाता है। फिर बोला कि सुरंग के प्रवेश और अन्य दूसरे स्थापना बिंदु या यथा उपकरण स्थापित बिंदु पंप पंखे और ट्रांसफार्मर आदि के पास कम से कम 100 लक्स ज्योति के फिलामेंट लैंप लगाने की व्यवस्था उचित दूरी पर रहेगी। इसके अलावा सुरंग की लंबाई में अंदर पर्याप्त दूरी पर बल्ब की व्यवस्था किया जाएगा। सुरंग के अंदर रखे उपकरणों के पास समुचित प्रकाश व्यवस्था के कारण चलने फिरने से दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। वाटरप्रूफ केबल से कवर करते हुए पर्याप्त बोल्ट की बिजली की तार इसमें से गुजार कर प्रकाश व्यवस्था करना जरूरी होता है। बल्ब सुरंगों के केंद्र में सुरंग के आंतरिक टॉप पर सुरंग की लंबाई में 5-5 मीटर की दूरी पर लगाया जाना ठीक रहता है। सुरंग के अंदर प्रकाश व्यवस्था हेतु वायरिंग लेआउट का सर्किट कई छोटे भागों में बांट कर उनको फ्यूज के माध्यम से, समझ गए ये पूरी बात है लाइटिंग की। यहाँ से आपका रेलवे ब्रिज और टनल वाला पूरा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा अनुभव है कि आपका पेपर इसी के अंदर से निपट जाएगा। थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन ऑप्शन में भी मिलेंगे, उनको भी हम लोग कर लेंगे। आपका पेपर कैसा जाएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।